तो गाइस इसी के साथ चालू हो चुकी हमारी आज की भी स्ट्रीम, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जो भी आया देख रहे जाओ। एंड चालू हो रहा थोड़ी देर में ये रूम। Too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. रवीन भाई एक्चुअली ये टीटर स्क्रीम है, ये रजिस्टर करनी पड़ती है यार खेलने के लिए, तो रजिस्टर करना है तो भाई तो आ जाइए भाई। अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो भाई हो भी हम देंगे, हम अपनी स्क्वाड से कराएंगे आपको। कुछ चलते हैं, क्लैन ज्वाइन करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा बस। अच्छा स्नाइपिंग कैसा है, कैसे रजिस्टर करें आपने यार? सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में देंगे डिस्कॉर्ड लिंक को, ज्वाइन कर लें, आपको सब बता दिया जाएगा कि ज्वाइन कैसे करें। तो कर लें फटाफट से ज्वाइन, बता दिया जाएगा आपको कैसे करना है बाद में रजिस्टर। नहीं भाई, किसने मेरे लेजेंड को किसने बोला?
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet.
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet.
टीम फॉर ओपी और वॉट टी ऑफ टीम है ये, हाउ टू मेक टीम फॉर ओपी। लो जी पेश करते हैं, चालू हो चुका है यहाँ पे हमारा में। तो पहले हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट्स। प्लीज प्ले इन मॉडरेशन, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पांसिबली। प्यार हमें इस मोड पे ले आया के दिल करे हाय, सेब केला फॉरएवर बेनी बायोनिक यहाँ पे है भाई, जो सेब केले लेकर घूम रहे हैं। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया ये दिल कर, यार यहाँ पे सेटिंग होनी चाहिए कि ऑल पे बात करो या ना करो, बढ़िया हो जाएगा फिर तो। बत्तियां बुझा लो, एंड हाउ टू मेक बाय, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग पीरो। एंड यहाँ पे इविल पंडित की स्क्वाड उतर चुकी है, इविल की स्क्वाड जा रही है रियोंस की ओर, एलेक्स की स्क्वाड जाती हुई लाख ओबेरिया एंड उसके साथ टीम ईएक्सटी की स्क्वाड भी जाती हुई क्राइटर फील्ड्स की ओर। आरडीएक्स ऑक्सीजन को देखे, 77 की ज्यूस की टीम को, बैरो की टीम, विलेजर गुरजोत की टीम, चारों की चारों टीम जा रही है अल्पोजो में। एक्सजीएल की स्क्वाड भी चार अलग अलग हिस्सों में बट के जा रही है, एंड घाट तक की स्क्वाड भी यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में, दो अलग अलग हिस्सों में जा रही है। ऑक्सीजन की स्क्वाड भी इधर ही जा रही है सैन मार्टिन की ओर, टीम बीटीसी भी जाते हुए। रिकार्डो में देखे तो पीआरएफ एंड बीस्ट मिकी की स्क्वाड जा रही है, टीओ रीपर और टीम नॉट आदित्य जाते हुए चुम्मा सिरा की ओर, बाकी की स्क्वाड्स भी भाई बहुत सारी स्क्वाड्स आगे की तरफ जाते हुए। देखा जाए तो यहाँ पे लॉस लियोंस में उतर रही है पंजाब पुलिस की स्क्वाड, जिनके सामने ही उतर रही है ब्लेज ओपी की स्क्वाड, ब्लेज ओपी यहाँ पे उतरते हुए। देखते हैं भाई थोड़ा सा ऊपर करके कहाँ पे होने वाली है फाइट, यहाँ पे 77 ज्यूस को देखे तो हम जरा 77 ज्यूस के साथ, यहाँ पे डीजे बाबू ओपी थोड़ा दूर है, लेजेंड यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेजेंड खड़े होके लूटते हुए। और ये माही ने, माही मेनू छड़े हो ना, माही ने यहाँ पे भाई क्या ही बूमबाम किया है एफी की, इग्नाइट की टीम के बंदों की, एफी के इग्नाइट, ये रही माही, उनके एफी आदि एफी डब्ल्यू भी ख़त्म हो गए हैं, बट माही ने यहाँ पे भाई करा था शॉट उनके साथ दो बंदों का बूमबाम, पता नहीं एक बंदे को नॉक एंड फिनिश किया था, किल फीड के आगे हमारा थोड़ा मैप दिख रहा था इसलिए भाई देख नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। देखते हैं बाकी किस स्क्वाड को यहाँ पे क्या होता है। टीम सस्के भाई एंड डेक्सी भाई जा रहे हैं टिम्पाला की ओर, एंड यहाँ पे देखे तो किल चोर ने कर दिया भाई एक बंदे को नॉक, किल चोरी साडा हो गया। 77 जूस के यहाँ पे भी फाइट हो सकती है, बट यहाँ पे होने दी
तो आखिर ये किल चोर है कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं किल चोरी। ईस्ट मिकी की टीम को देखते हैं, यहीं पे हैं आई थिंक, सामने की तरफ ये किल चोर की टीम, एंड जैसा कि हमने कहा था यहीं पे हैं। नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो पीआरएफ की टीम है इनके सामने जस्ट। किलचोर वाईटी की टीम तो सिग्नस वाईटी ब्लेज वाईटी थे ना उनके साथ, देखते हैं। ये रही ब्लेज वाईटी सिग्नस वाईटी किलचोर वाईटी ने यहाँ पे एक बंदे को किया था ना, किलचोर वाईटी ये रहे चीनों ने किया था एक बंदे को नॉक कन्विनेशन। सामने की तरफ इनके भाई बंदे और भी हैं, अभी 77 जूस के ऊपर चलते हैं फिर से, इनके इनके टीम मेट लेजेंड भाई के जस्ट नीचे ही बंदे बंदे हैं भाई। लेजेंड भाई पे यहाँ पे रश हो चुका है, सामने P55 की टीम भी यहाँ पे है, नीचे से आते हुए टीम 20 आई थिंक ये नीचे, देखते हैं अभी दिखेगा हमें तो कौन सी टीम है नीचे। टीम 20 यहाँ पे P55 हर चाप की दूसरी लाइन, और ये भाई उसी के साथ डैमेज पड़ा है 77 की टीम के दुबे छीचे ऊपे ओपी को, क्या ही नाम रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने। और ये भाई क्या ही नेट के साथ 77 जूस ने किया है P55 आपको नॉक, इसके साथ लेजेंड जो है घुसने की तैयारी कर चुके हैं, सामने लियो है। लेजेंड को आई थिंक घुसना चाहिए या नहीं, देखते हैं आप लेजेंड यहाँ पे क्या करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। अगर लेजेंड यहाँ पे राइट साइड पे नेट करते थे, मेरे को लग रहा है कि लेजेंड ओपी को यहाँ पे देख लिया गया है लियो की तरफ से, और ये P55 सट्टा भी यहाँ से पीक निकालने की कोशिश एसी के पास से, एसी नहीं सॉरी एसी बोलना था, हमारा मुंह से फिसल गई जुबान फिसल गई हमारी, और ये ऊपर जाके बैठ चुके हैं लेजेंड ओपी दोबारा से, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते। और ये कर क्या रहे हैं अभी भाई, कंफ्यूज कर रहे हैं आई थिंक नीचे की तरफ। सामने टीम 9 पी विलेजर कुचोत की टीम से भी है बंदे, P55 की टीम के बंदे भाई कितने, मतलब तीन तीन टीम से खेल रहे हैं यहाँ पे, टीम 20 से भी खेल रहे हैं, टीम 9 से, एंड टीम एक और टीम है यहाँ पे उससे। देखते हैं यहाँ पे लेटे हुए नीचे P55 सट्टा है, बाकी की टीम्स को भी देखे जरा, एंड यहाँ पे देखे तो भाई प्लीज सी ओपी की हो सकती है यहाँ पे फाइट। P55 हसन ने यहाँ पे RDX ओशन को कर दिया नॉक सामने की तरफ, यहाँ पे ब्लेजी ओपी के सामने से टीम EX सस्के भाई जाते हुए, इनको AKM से स्पॉट तो किया गया बट फायर नहीं किया गया, और जॉर्ड मैड्रिक्स ने यहाँ पे PRF गौतम को कर दिया नॉक। PRF की टीम आई थिंक हमने देखी थी अभी एक जगह पे, जॉर्ड की टीम और PRF की टीम। 77 लेजेंड यहाँ पे घुस चुके थे, एंड P55 सट्टा को उन्होंने नॉक किया, एंड देखते हैं हजाब के ऊपर घुसते, और ये हजाब यहाँ पे डिग्री ले रहे, और ये लेजेंड गलत ही जगह नॉक हो गए, गलत जगह नॉक हो गए हैं। DJ उबा भी ओके इनके नॉक हैं, ज्यूस बचे अकेले, देखते रिवाइज दे पाएंगे अपने टीम को या नहीं, और ये अंधा रश करते हुए ज्यूस भी यहाँ पे हो चुके खत्म। बीस्ट मिकी को देखते हैं जिनकी टीम की फाइट हो रही है सामने की तरफ PRL की टीम के साथ, बीस्ट बैल यहाँ पे रिवाइज दे रहे हैं रोड मैट्रिक्स को, और ये अंधा रश हुआ टीम पोटिंग का यहाँ पे, बट PRL की टीम को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, फिनिश किया जा रहा है यहाँ पे PRL की टीम के डाउन बंदों को, एंड देखते हैं भाई। और ये DBS लेकर यहाँ पे आ चुके हैं टीम PRL के भाई, एक भाई हमारे टीम PRL के, PRL क्या नाम है इनका, PRL स्टुप भाई, स्टुप भाई कौन पूरा बात, PRF PRF सॉरी PRL नहीं PRF, यानी यहाँ पे घातक ने कर दिया M4 के साथ एक बंदे को नौ, घातक को हमने आई थिंक देखा था कहीं पे, XGL लुसिफर के टीममेट XGL अंश को कर दिया, अंश को कर दिया गया यहाँ पे घातक की तरफ से नॉक, और ये क्या एक और बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है M4 की तरफ से XGL वॉरियर, एंड ये क्या भाई खत्म कर दिया गया यहाँ पे घातक की स्क्वाड की तरफ से XGL की स्क्वाड को, पूरी की पूरी स्क्वाड को यहाँ पे कर दिया गया खत्म। भी खत्म कर दिया गया, मैं ऊपर चला गया
ਤੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਹੋਰ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਿਆ देखते हैं भाई इसी के साथ क्या होता है। यार ये जिवें बाबा बैठा मैं दे देता मैं ही बैठा ही बाबा तक ने यहां पे भाई एम4 के साथ एक और वीडियो कर दिया नॉक। ये रही घातक की स्पॉट यहां पे टीम एंड स्पॉट ऊपर यहां पे किया गया था रश भाई घातक की टीम की तरफ बता दिया टीम की तरफ खत्म कर दिया गया यहां पे उनको हरमन गक्का शासन बताया। यहाँ पे घातक भाई नॉक हो चुके हैं सिग्नस वाइटी भी नॉक हो चुके हैं वहाँ पे टीम आइनो की तरफ से बट टीम एक्सटी की यहाँ पे फाइट हो चुकी है टीम इलेवन के साथ। देखते हैं इनको क्या बचा पाएंगे अपने घातक भाई को। यानी घातक भाई को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी और भाई ख़त्म हो जाएंगे लग रहा है घातक भाई यहाँ पे। घातक भाई को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया एम4 के साथ बी और डेड शॉट वी डी डेड शॉट के ऊपर भी आते हुए लगातार फायर। और टीम एक्सीजन के ऊपर भाई बी की कैच छोड़ मार चल रहा है बैरो वाला दिन ने यहां पे कर दिया भाई खत्म। ऐसे नहीं जब तो था भाई ओ भाई ओ गन्ना नूबड़ा मरया कक्का है पापा होने का बहाना पता की हम मार रहे हो क्या यार मार रहे हो मार गया टीम एक्सटी की टीम यहां पे सामने इनके वीडी डेड शॉट है ਓਏ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਚ ਜਾਓ नहीं बंदा मैं सेफ हां ओपन च लेटिया पिया वाला उत्ते दो बंदे बचे आदिशन माही बग्गी के साथ आ चुके हैं यहाँ पे। देखे तो जोन के बाहर थे यहाँ पे टीओ के बंदे आते हुए टीओ की दो दो लाइनअप खेल दी आज देखा जाए तो भाई खत्म करो एंड यहाँ पे बैरो की टीम भी है अभी तक जोन के बाहर आ रही है अंदर की तरफ। बैन था पुत्तू आ बैन बैन तो याद है मैं बकी ले आवा पहाड़ी देख क्या बैन ले आवे मेरे मगर यार की आ यार तेल मुक गया अपने तो जो भी देख रहा भाई दबा दो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है। जो भी किसी भी टीम को दिखना चाहता है तो बता दीजिए हम उसी टीम को दिखाएंगे जो टीम आप बोलेंगे तो फटाफट से बताइए जो उनसी टीम देखनी है। एंड यहाँ पे फॉरएवर की टीम ने सामने की तरफ हेलेक्स की टीम के एक बंदे को नॉक एंड फिनिश किया था जो कि हमने किल स्पीड में देखा था। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो इनकी थोड़ी सी शांति है। लियो ने यहाँ पे टीम एक्सटी के बंदे को कर दिया भाई गार्ड ही फोड़ के नॉक
ये रहे टीम EXT के बंदे जिनके भाई नेस्टी भाई को फिनिश कर दिया गया है दियो की तरफ से गाड़ी फोड़ के। ये रहे लियो एंड M249 के साथ यहाँ पे हेलेक्स के फिर से कर दिया गया है निशांत भाई को नॉक एंड देखते हैं हेलेक्स माइलेस भाई क्या करते हैं। हेलेक्स निशांत होते हैं ऊपर से फिनिश कर दिया गया है बट यहाँ पे देखा जाए तो हेलेक्स के टीममेट जो हेलेक्स माइलेस भाई है बैठे हुए एंड यहाँ पे बैरो की टीम की भी फाइट होने वाली है सामने की तरफ टीम EXT की फाइट यहाँ पे होने वाली है बैरो के साथ। और जब भी पड़ रहा है एक सामने पहाड़ी पे है फोर्स वायरस एलेक्स के माइलस भाई बचे हैं देखिए माइलस भाई की तरफ क्या होता है। अब माइलस भाई के भी ऊपर भी आ चुके हैं फॉरएवर की पूरी टीम फॉरएवर बनिक भाई नीचे की तरफ यहाँ पे टीपी भी लेके बैठे हुए हैं एलेक्स के माइलस भाई एंड भाई आई थिंक इनको मारना चाहिए और यार भाई उतार लिया गया फॉरएवर का शपन धोने के साथ फिनिश करने की कोशिश फिनिश कर दिया गया है पीछे से स्प्रे आते हुए बट अलग खिड़की पे स्प्रे दे रहे थे आई थिंक वो देखिए इस खिड़की पे स्प्रे दे रहे थे वो ये देखिए गोलियों के निशान हट चुके हैं इस खिड़की में बंदा था और ये भाई घुस के एक बंदे को तो नॉक किया था M249 से। अगर यहाँ पे फॉरएवर के पाइनिक भाई भी नॉक हो जाते तो भाई क्या ही सिचुएशन हो जाती है क्या ही सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे आपने यहाँ पे कर दिया टीम EXT के बंदे को नॉक और फिनिश भी कर दिया इसी के साथ टीम EXT के बंदे को भी दो बंदे यहाँ पे टीम EXT के खत्म हो चुके हैं एक बंदा लियो की तरफ से किया गया था गाड़ी की तरफ से खत्म बेहटे हर्चे आपने दूसरे को कर दिया M24 से नॉक लियो ने यहाँ पे कर दिया टीम EXT के बंदे को फिनिश चौकी किया गया था नॉक बेहटे हर्चे आपकी तरफ से यहाँ पे बीस्ट मिक्की की टीम को देखे तो वहाँ पे भी होते हुए फाइट की टीम ने यहाँ पे भाई जो बंदे आए थे उनको कर दिया खत्म टीम NF की टीम भी यहाँ पे फाइट लेती हुई देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स वायरस के साथ ही है टीम NF के बंदे जिन्होंने कर दिया सामने की तरफ नॉक एंड अभी करेंगे अंदाजा आई थिंक PW गॉड और व्हाट PW या बीमार और व्हाट लाइव एंड PW बीमार और व्हाट लियो कवर दे मार लियो मार लियो को कहा गया था यहाँ पे मार लियो मार लियो ने मारा भाई और एक को नॉक भी कर दिया लियो को देखते हैं जिनको ऑल पे दिया जा रहा है कमांड और ये भी पीछे से पड़ते हुए लियो को कर दिया गया फोर्स वायरस की तरफ से नॉक तो आ गया एंड हर्चाप यहाँ पे भाई देखते हुए निकालते हुए पी का अलग अलग जगह से नेट करा जा रहा है यहाँ पे हर्चाप की तरफ से आने आगे की तरफ किया है बट इससे नॉक नहीं हुआ है कोई भी फोर्स वायरस पीछे की तरफ जोन से जाओ पैन चो आई दा मैं कहना जोन जाओ एंड फोर्स वायरस ने यहाँ पे बग्गी लेकर आते हुए P50 वाले जाप देखते फायर देंगे या नहीं क्या हो गया कुछ नहीं कोल्ड है थोड़ा सा फीवर हो जाता है कोल्ड एंड फीवर और व्हाट गड्डी फटा दे यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया भाई टीम NF की तरफ से जो बंदा नॉक किया गया था लियो की तरफ से बैरो वाला दिन को कहा जा रहा है आई थिंक यहाँ पे गाड़ी फटा दे गाड़ी गड्डी फटा दे गड्डी फटा दे और ये M4 का 4x स्प्रे मारते हुए बैरो वाला दिन ने कर दिया नॉक फोर्स वायरस को लोड ऑफ कर दे लोड ऑफ कर दे आई थिंक राइट से जा सकते हैं यहाँ पे बैरो वाला दिन थोड़ा सा राइट से निकल के राइट से निकलना चाहिए आई थिंक बैरोला जिनको राइट से लेना चाहिए NF टीम NF के फ्यूरी भाई को एंड भज्जा भाई को यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट से जाना चाहिए ताकि दोनों तरफ से वो हो जाए थोड़ा कंफ्यूज जोन आ गई पूरी आगे की तरफ बैरोला जिन बढ़ते हुए जोन आ गई फ्री फायर दे दे मारा यार और ये भाई कर दिया गया एक बंदे को नॉक P50 हर चाप भी डैमेज है यहाँ पे फॉल्स वायर पीछे से नॉक पड़े तो उनको फिनिश किया गया पहले तो टीम NF के फ्यूरी भाई बच्चे अकेले देखते हैं क्या ही करते अब और ये घूम के गए और फ्यूरी भाई क्या ही कूदे थे बट गलत ही कूदे हैं खत्म हो चुके हैं फ्यूरी भाई
इसी के साथ वहां पे टीओ के टाइटन भाई की स्क्वाड को भी फॉरएवर की तरफ से कर दिया गया फिनिश। बट टीओ के यहां पे मिस्टर भाई साइको भाई बचे हुए हैं, तो टीओ टाइटन अकेले फिनिश हुए हैं, पारी की पूरी स्क्वाड उनकी बची हुई है अभी तक। बीमारी और वोट एंड भाई टीम एचटी के बंदे भी यहां पे करते हुए भाई बूम बाम सामने की तरफ फाइट होती हुई, उनके पीछे से बैरो अलादीन की स्क्वाड भी, बैरो अलादीन थे कौन थे, बैरो अलादीन ही है। एंड यहाँ पे वन वी वन की सिचुएशन आई थिंक, सामने की तरफ भी भाई पीडी के सोलो बंदे ही हैं, पीडी शटर शटर एक खर्चा पर बैरल यहाँ पे निकल चुके हैं लेफ्ट की साइड से जोन की तरफ। एंड अगर ये वो वही डायरेक्शन से जाते तो शायद से मेरे को लगता है कि दोनों स्पॉट्स में से एक स्पॉट को तो ले ही लेते, वैसे जैसे जैसे जोन बन रहा है वैसे वैसे स्पॉट जो है जोन के अंदर आते हुए इनकी फाइट होने के चांसेस बहुत हुए। टी ओ जी एडिट्स टीम 10 दिखा रहे हैं, टीम 10 और यार हमारा कैलफिट में अपने नाम भी निकल गए हैं इसके साथ। ऑक्सीजन के फ्रेस्को भाई ने कर दिया यहाँ पे भाई एलएफ की टीम के बंदे को नॉक। टीम 10 को दिखाते हैं हम, ये रही टीम ईटीसी चॉड और वॉट जो कि अभी तक पूरी तरह से सेफ हैं। एलएफ चोरों भाई यहाँ पे नॉक हुए बड़े जिनको रिवाइव दिया 4 एलएफ पिकाचू की तरफ से, ऑक्सीजन की टीम की तरफ से इनको नॉक किया गया था। ऑक्सीजन की टीम ने यहाँ पे कर दिया अंधाधश, ऑक्सीजन मंकी है उनके साथ, बाकी भी ऑक्सीजन के बंदे कर चुके हैं यहाँ पे रश। देख रहे हैं जैसे कि सभी टीपी भी लेते हुए नेट्स वगैरह चालू कर दिया था। ये एलएफ चोर यहाँ पे एलएफ पिकाचू हैं, एलएफ की बाकी टीम जो है दूर से आई थिंक कवर दे सकती है बढ़िया वाला। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन की टीम को भाई एक बंदा कर दिया गया नॉक, आसिफ भाई का नॉक कर दिया गया था पिकाचू के नेट के साथ, और ये भाई मंकी को भी कर दिया गया नॉक, गोड ओपी को भी कर दिया गया नॉक। आखिरी बंदा ऑक्सीजन का फ्रेस्को भाई यहाँ पे भाई अकेले ही फाइट ले रहे हैं, सामने टीम 17 है उनके ऊपर पूरी पूरी चढ़ चुकी है। ऑक्सीजन फ्रेस्को भाई अकेले हैं और ये मौली कर ली है इन्होंने, अपने ऊपर ही मौली कर ली यार। एंड मौली अपने ऊपर की नेड किया खत्म। फॉरएवर की टीम के भी भाई एक्सनील भाई को कर दिया गया बीस्ट बेल की तरफ से फिनिश, बीस्ट की टीम यहाँ पे बढ़िया खेलते हुए। सारी की सारी अभी लगभग लगभग जोन में एंड इनके ऊपर भाई सामने ये पहुंच चुके हैं टी सी एस जोकर के ऊपर एंड फॉरएवर एक्सपैनिक भाई जो अकेले बचे उनके ऊपर। एक्सप्रॉनिक यहाँ पे क्या ही रेड डॉट का भाई एम टू होल्डन का पीक निकल के मार रहे थे, बट पूरी की पूरी जॉर्ड की टीम बीस्ट की टीम ने आगे कर दिया इनका बूम बाम। तो और मैट्रिक्स नॉक हुए थे जिनको किया जा रहा रिवाइव। स्लॉट 11 दिखा रहे हैं, स्लॉट 11 को, स्लॉट 11 तो ख़त्म हो चुका है, स्लॉट 10 ही है। ये देखिए एलएफ की टीम के भी बंदे यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं जिनको रिवाइव दिया जा रहा है। टीम 17 के बंदे सामने की तरफ एलएफ चोरों निकाल के एडब्ल्यूएम, देखते हैं फटका दे पाएंगे या किसी को नहीं। जोड़ के देखता है और लेफ्ट स्पार्क के ऊपर आते हुए यहाँ पे भाई फट के ऐसा लड़के कहाँ से एट सेक्स है इनके पास। अच्छा कार 98 के साथ यहाँ पे एलएफ स्पार्क को भी कर दिया गया नॉक, इविल गोकू की टीम को भी यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है, इविल की टीम को यहाँ पे क्रिजी ओपी की तरफ से कर दिया गया स्पॉट। इविल पंडित के ऊपर यहाँ पे ऐसा तरह का फायर देते हुए बट डैमेज नहीं लग रहा अभी। एमएसटी मस्त तुम्हारा क्या लिख रहे हो, मस्त हमारा एस एल आर। हाँ टी आर जी चोकर भी यहाँ पे हो चुके हैं नॉक। टी आर जी है या फिर टी जी चोकर है, क्या है, टी आई जी चोकर। मैंने एक तो चश्मा नहीं लगा रखा क्योंकि आंखें दुखने लग जाती है साली।
क्या ही भाई SLR और कार 90 चलती हुई यहाँ पे। एंड वहाँ पे देखो तो माही की हो चुकी है फाइट इविल की टीम के साथ, एंड इविल की टीम ने माही को कर दिया भाई, गार्ड ही फोड़ के खत्म, गार्ड ही फोड़ दी गई यहाँ पे माही की। M24 का फटका देखना चाहते हैं, बट यहाँ पे देखा जाए तो रेड डॉट लगा के दिख रहे थे। अब स्कोप चेंज किया, देखते हैं 4x इनके पास M24 पे भाई, और बट वहाँ पे फटके हुए फटके, क्योंकि उनके पास है 8x भाई, 8x और 4x मतलब कतई अलग ही आधा हो जाता है भाई, क्या ही विजन मिलता होगा उनको। एंड चोट बैरो वाला तीन को देखे तो ये भी LF की टीम के ऊपर पहुंच चुके थे। यहाँ पे बैरो वाला दिन भी यहाँ पे देने जा हो चुके हैं, बैरो वाला दिन के टीममेट भी हिट हुआ है जी, आप यहाँ पे फायर देते हुए M4K6X लगा के। एंड यहाँ पे ये भी गाड़ी लेकर जाने वाले हैं जोन के अंदर। एंड यहाँ पे देखे तो भाई टीम EXT का भाई, क्या नाम है इनका, EXT के रिवेंज भाई पीछे जाते हुए भाई जोन के अंदर M4 के पकड़ ली इन्होंने हाथ में। एंड वहाँ पे भाई सस्के भाई ने दे दिया है, रिवील कर दी अपनी लोकेशन, इसी के साथ रिवेंज को पता लग गया। एंड दबे पाँव जाते हुए आगे की तरफ रश करने के लिए रिवेंज, वहाँ पे नॉक कर दिया गया भाई एक बंदे को TO के। एंड यहाँ पे सस्के भाई ने भी देख लिया है रिवेंज को, सस्के भाई क्योंकि बैठे हुए थे ब्रोकन वॉल पे, इजी व्यू मिलता है यहाँ से इजी। देखते हैं भाई सस्के भाई अब रिवेंज को निकलने देंगे यहाँ वहाँ से या नहीं। उसके साथ भाई जेड भी यहाँ पे पूरा तगड़े तरीके से फायर देते हुए TO की टीम के ऊपर। एंड आई थिंक इनकी फायर क्या भाई, रिवेंज को देखे तो रिवेंज यहाँ पे वो LF चोरो ने यहाँ पे बैरो वाला तीन को दिया ओम का फटका, ये रहे LF चोरो जोन के बाहर थे। यहाँ पे टीम EXT के बंदे और ये बैरो वाला दिन को फिनिश कर दिया, जाने की कोशिश की जा रही, और ये हजाब के दिया गया एक शॉट, अगर यहाँ पे हजाब यहाँ पे फिनिश हो जाते तो भाई टीम EXT, और ये भाई उससे बचते बचते आखिरकार TO के हत्थे चढ़ गए हजाब भाई। एंड अंदाज प्रे दिया जा रहा है बट वहाँ पे इनको क्या पता कि बंदे अब रहे ही नहीं हैं। जेड भाई यहाँ पे जोन के रोड निकल चुके हैं, सस्के निकले और कर दिया यहाँ पे रिवेंज को ख़त्म। देखे तो बाकी स्क्वाड्स को अभी मिक्की भी यहाँ पे या बीस्ट की स्क्वाड भी हैं। इनके सामने एक सॉरी यार, एक तो मेरे को ना ये बीमारी सुस्ती पड़ी हुई है बीमारी की वजह से सभी, अगले मैच में आ रहा हूँ PW से खेलूँगा, आ पूछ लूँगा मैं उनसे। बीस रिबेल ने यहाँ पे NF क्लाउड को कर दिया नॉक, एंड ब्लेज OP आई थिंक रश कर देंगे। टीम 12 का किल चोरी कर लिया गया है यहाँ पे भाई, ब्लेजी OP यहाँ पे रश करते हुए सामने की तरफ टीम 12 के LF जोरो बचते हुए, LF जोरो के ऊपर यहाँ पे 1 HP वाला बंदा घुसा था बट पीछे लौट चुका है। एंड नेट्स की बारिश होते हुए इनके ऊपर अभी, आई थिंक LF जोरो यार अगर यहाँ पे एक बंदा खा देते ना पूरा मजा आ जाएगा। नॉक एंड फिनिश, और ये भाई LF जोरो नॉक, LF स्पार्क बचे अकेले अब पीछे से जाते हुए, क्रिजी ने यहाँ पे कर दिया एक बंदे को नॉक। TO की टीम के ऊपर यहाँ पे LF स्पार्क घुसे थे बट एक बंदे को नॉक करके ही हो चुके हैं यहाँ पे M249 से खत्म। स्पेक्टेट सिक्स करते हैं टीम नंबर सिक्स को, सिक्स तो है ही नहीं, सिक्स तो ख़त्म हो गई आई थिंक, है नहीं है सिक्स नहीं है, 4 है 10 है 16 है। देखे टीम ETC साइफर को देखे तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टीम ETC साइफर देख लिया गया है इनकी तरफ से, सामने की तरफ टीम EX शख्स के को बहुत ही कम HP बचते हुए, सिंकाई और DTC चौड़ यहाँ पे बैठे हुए हैं।
नेड करते हुए आगे की तरफ ऊपर, थोड़ा सा हाइट एडवांटेज है उसके और उनके टीममेट जेड को। जोन की तरफ भी निकलना है इनको भी। एंड यहाँ पे भाई क्या ही नॉक कर दिया गया इस सस्के को भाई ईटीसी साइफर की तरफ, बट आगे की तरफ मौज ही फेंक दी। और ये भाई सस्के आई थिंक फिनिश हो जाएंगे लोगों की इस मुठभेड़ के अंदर ही, और सस्के यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। देखिए तो भाई टीओ की टीम की यहाँ पे फायर देते हुए लगातार सामने की तरफ टीओ टीम पर, यहाँ पे M24 चलाते हुए। क्या ही फाइट होती हुई। बट ये टीओ की टीम अब जोन में निकल गई है, इनको थोड़ा सा नुकसान हो जाता अगर इनको कोई देख ली जा देख लेती है ना अगर टीम। और ये टीओ गाय ने कर दिया है टीए जी जोकर को, और टीओ की टीम भी यहाँ पे भाई जाते हुए ख़त्म हो चुके है। जोन के बाहर से अंदर आ देते इसका फ़ायदा उठाते हुए कर दिया गया इनको ख़त्म। जेड अकेले बचे हैं यहाँ पे, मौली की गई इनके ऊपर, जेड हो चुके ख़त्म पीछे से, क्रेजी ओपी ने की थी मौली और ख़त्म कर दिया उनको। टीम 10 के ATC जॉर्ड भाई भी आई थिंक जोन से जाने वाले थे बट बच चुके हैं। लेजी ओपी के स्क्वाड के ऊपर यहाँ पे घुसते हुए, बट पूरी की पूरी टीम नॉक हो चुकी है ETC संकाई को छोड़ के, जो कि अलग है अपनी टीम से पूरा ही। हर्षित बजाज हेलो कैसे हो हर्षित। ETC संकाई और ये भाई अंधा कपड़े देते हुए खास के अंदर, इविल निंजा को यहाँ पे भाई कर दिया गया है खत्म, इविल स्पार्टन को भी कर दिया गया सिंकाई की तरफ से, एंड इविल निंजा को भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। एंड वहां से भाई इनकी गाड़ी को भी फोड़ दिया गया है, आग निकाल दी गई है कतई। और ये नॉक कर दिया गया इनको भी। एंड बट प्रिस्ट की टीम के पास यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज, क्योंकि उनको आना है जोन में एंड है भी वो डाउन रिच पे। सिंकाई को आई थिंक यार चुपचाप जोन पकड़ लेना चाहिए था, बट वो उधर से फाइट ले रहे हैं एंड सिंकाई को आई थिंक क्रॉस तो करने नहीं दिया जाएगा। गया ये भी सिंकाई भी गया इसी के साथ मेरे को लग रहा है गया। एंड भाई अब रह गए हैं यहाँ पे सामने की तरफ जॉर्ड के दो ही बंदे, जॉर्ड मैट्रिक्स एंड बीस्ट मिकी, बीस्ट के दो ही बंदे रह गए हैं यहाँ पे सामने की तरफ भाई। 317 अंधा रश करते हुए भाई अलग अलग एंगल निकाल रहे, और ये भाई बैरल पे 6x लगा के चला रहे थे। जी बेचे too late, begging on the floor for me.
not the same. I'm staying in on my own to see. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Now I'm coming back to life. I'm taking back my life. थैंक्स भाई सब्सक्राइब करने के लिए।
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet.
fell for you. But I fell for you the second that you left the room. Sorry, your time is done.
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. Now I'm coming back to life.
afraid, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. चलो मैं लाइव इसी चलता हूँ। सरस भाई मे आई टर्न ऑन स्क्रीन शेयर और मैं टीम्स बताऊँ, आप वहाँ पे शिफ्ट हो गए। स्टेट पे हूँ इस बार, मेरा कोई गिफ्ट हुआ नहीं है तो okay, आप स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं शिफ्ट करके बता दूंगा ना आपको। मैं उतनी देर अभी मैं चैट तो पढ़ नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ कुछ ऑर्डर कर लूँ। कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, बेंच पे दिल ही नहीं कर रहा कुछ ऑर्डर करने। मेरे को लिंक शेयर करना जरा एक बार। किसका? अपनी स्क्रीन का। मैं आगे बढ़ाऊँ जरा, फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमने कहा है जो तुम भी कहो, कॉपी लिंक करा को छोटा करने। मेरे को हाँ दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे दे रहा हूँ डीएम। हाँ एंड पहले तो हम स्क्रीन शॉट ले रहे हैं यार। ले बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं मैं भूलता नहीं हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। अब जब शुरू में होता ना तो बहुत भूलता था, क्योंकि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इस पर डाल दो कास्टेड बाय वो कास्टर सरस माफ़ अच्छा टॉम सरस गेम कॉन्करर के आज डाल देता हूँ मैं। रुको मेरे को खोलना पड़ेगा, खोल रहा हूँ मैं। चलो फिर वो जो नया लिंक बनेगा ना, नया लिंक मुझे देना एक बार। नहीं वो तो तुम ये लिंक डालोगे वही वाला आ जाएगा, लिंक चेंज नहीं होता, लिंक तो सेम रहता है। अभी कर रहा हूँ रुको, एडिट अभी मत डालना। और यहाँ पे टीम की तरक्की है बहुत सारी, फॉरएवर का टीम जाएगी नोवो की तरफ गाड़ी पकड़ के। लेन का जोन ऐसा था सिटी की तरफ, काफी सारी जोजो में स्क्वाड गई है सिटी की तरफ, एक स्क्वाड नहीं गई है क्योंकि स्टॉर्म बॉन्ड खेल रही है। आपका क्या नाम है चैनल का, कोकास्टर क्या लिखूं? Storm Surus Gaming. Storm. वो शायद अब एड्डर रेट भी करोगे ना तो मेरे चैनल का मेंशन आ जाएगा मेरे ख्याल से। दोपहर तुम्हें मेंशन करता हूँ मैं। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। रुको रुको। और चैनल कॉपी लिंक डिस्कॉर्ड लो मेरे चैनल करो दो मिनट, बोलो कौन सी टीम को देख रहे हो, मैं उसी को देखूं।
यहाँ पे फाइट हो चुकी है और यहाँ पे जब तक दानव शाह ने नॉक किया है, दानव शाह ने टीम नंबर जूस नॉक पड़े यहाँ पे, जूस 25 नंबर की टीम नॉक पड़ी हुई है अपनी 77 की, जूस ओपन में नॉक पड़े हैं, वहाँ पे 12 नंबर की टीम के पास है, यहाँ पे वो फिस्ट हो गए ऑक्सीजन के द्वारा फिस्ट हो चुके हैं वो, यहाँ पे तो एकदम फिस्ट ही फिस्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रही बात। इधर की तरफ देखो तो 40 नंबर के वार्ड में जॉर्जो कंटेनर पे चलना, जॉर्जो कंटेनर देखो वहाँ पे सिटी लेजेंडरी हो अकेला बजा, वहाँ पे 40 नंबर की स्क्वाड खत्म हो चुकी और सामने इनके बंदे हैं, 3 नंबर की स्क्वाड भी वहीं है, तो ये शायद नॉक होने के चांसेस है ना। अरे वहाँ पे शॉट और यहाँ पे नॉक, बहुत अच्छा नॉक किया यहाँ पे मेरे सामने, 3 ETC के बंदे थे और ओपी ने, लेकिन उनको रिवाइव मिल जाएगा वहाँ पे क्योंकि उनके पास जो गन थी वो दूसरी पे उन्होंने 3x लगा 6x लगा रखा था, इनको स्प्रे देना चाहिए तो उसी में नॉक कर सकते थे। अभी कुल मात्र टीम 19 टीम बची है, 68 बंदे अलाइव हैं। फॉरएवर की टीम ने जो अपना जोन पकड़ा है, रोटेशन काटा है, वो अभी नोवो में है, वहाँ पे जोन नहीं है और एडर लग ही नहीं रहा यार, डिस्क्रिप्शन में लगता क्या? डिस्क्रिप्शन में ही लगेगा शायद, अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया कोकास्टर एट द रेट स्टॉर्म सरत गेमिंग। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 172 कर दिए अब यूई की तरफ से स्प्रे आया, 3 ETC का बंदा नॉक हुआ है, अकेले हैं यहाँ पे, मुझे बात समझ नहीं आई कि अकेले कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ओपन में नॉक पड़े हुए हैं, अच्छा स्प्रे था और ये नॉक खत्म फिनिश, टीम ETC के बंदे खत्म हुए, यूई के बंदे ने मारा है, मैं खत्म हो गया। आप ना मेरी स्ट्रीम वो मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो उस पे चैट पे, राइट, अपने वो मॉड्स के थ्रू या मेरे उसके थ्रू। हां देखो कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में होता रहेगा। PW भाई हम आपकी आवाज को मिस कर रहे हैं, आप आइए जल्दी आइए, फाइट देखिए यहाँ पे, 2-3 मिस हुई है यहाँ पे, एक और फाइट होती हुई ईविल की टीम की, ईविल की टीम का एक बंदा खत्म हो चुका है यहाँ पे और सामने उनके बंदा है। मैंने तुम्हारे चैनल का लिंक चैट में पिन कर दिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 20 हंटर नॉक हो चुके हैं डीपी के स्प्रे से, रेड डॉट से इनको मारा जा रहा है, ईविल गोकू से बिल्कुल उनकी तरफ फायर हुआ, उनको बचाने की कोशिश हुई पीछे की तरफ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये मार पाएंगे उन्हें, तो नॉक ही कर पाए। जिस तरफ से कवर अच्छा आया टीम की तरफ से, बीच की टीम से वापस पार्टन के पास में जाऊंगा, अगर पार्टन के पास एंगल है अच्छा, इनके पास भी डीपी है, सारे ईविल के बंदे यहाँ पे डीपी लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे राटोस वाईटी भी नॉक हो चुके हैं। हाँ यहाँ पे फाइट हुई है क्वेरी के अंदर, टीओ जोकर की टीम की तरफ से यहाँ पे कर दिया गया राटोस वाईटी की टीम को खत्म, बट दो बंदे बचे हैं अभी, ब्लेज ओपी वाईटी एंड के ब्लैक ही वाईटी भाई, बिल्कुल बिल्कुल टीम 17 पे पहुंची है जल्दी से। बस मैं लेकिन ये देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे हार्ड रहेगा यहाँ पे फॉरएवर की टीम को जोन रोटेशन करना, लेकिन जिस हिसाब से जोन रोटेट करते हैं और हमेशा जोन के सेंटर में पाए जाते हैं, इनका कंपैरिजन INB की तरफ से करा जा रहा है। यहाँ पे बैरो की स्क्वाड का फाइट हो चुकी है और लियो इनकी टीम के बंदे नॉक हैं, और लियो की अगर मैं लोकेशन पे जाऊँ तो रिवाइव हो रहे हैं फिलहाल। कहाँ पे है ये टीम नंबर बता दिया करो, टीम नंबर है अभी 11। अच्छा देख गए बैरो वाला, 3 अलादीन मदरफकर। टीम नंबर 11 की फाइट चल रही है, एक के पास उजी है और गन्स तो है इनके पास अच्छी फाइट लेने के लिए, हम अगर आगे बढ़े तो स्प्रे दिए जा रहे हैं बीच बीच में, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बंदा सोचने पड़ता था कि बोलूं क्या भाई इस सिचुएशन में, मतलब बंदा चुप करके फाइट देखना पड़ता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बिलाल, तो मैं आपसे ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि 77 में स्टॉर्म वन को कितना मिस करा जा रहा है। बहुत देख ही नहीं रही यार, मिस तो हो गई। यहाँ पे फाइट हुई फिर से, ईविल की टीम यहाँ पे बीस्ट की टीम को घेर चुकी है एक तरह का, और ये भाई बीस्ट रिबेल को फायर देते हुए डीपी के साथ ईविल स्पार्टन, बट नॉक नहीं कर पाए रोज़हॉक के अंदर।
यहाँ पे बीडी की टीम जो है गाड़ी लेके आई है पूरी की पूरी, टीम नंबर 9 जॉर्जो बैक सिटी की तरफ। हेलो डैमनम गेमिंग भाई, कैसे हो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हमारे भाई के चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, उसको भी कर लीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब। एलएफ पार्क ने यहां पे देखिए, थैंक यू सो मच हमारे को सपोर्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने की हम भी करेंगे भाई, क्या भाई। और पीवी हुटे सट्टा को भी यहां पे नॉक कर दिया गया एलएफ पार्क की तरफ से, देखिए। अरे भाई साहब क्या स्टेट, यहां पे हाइट एडवांटेज है 3 नंबर 3 के पास, लेकिन जो उनके पास प्ले आया है बहुत ही जबरदस्त है। अब यहां पे रश करने की कोशिश करेगी टीम नंबर 9, गाड़ी लेके आगे बढ़ी है। वहां पे घाटक हेमंत जो है वो भी आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा वहां से 3 नंबर 3 के बंदों पे रश कर दिया गया है गाड़ी से, और आगे बढ़ के ऊपर से मुझे लग रहा है कि टीम नंबर 3 के पास पे थोड़ा सा हाइट एडवांटेज होगा। मैं उनके एंगल की तरफ जाऊं तो ये लेटे पड़े हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही बात की। 77 e-sports कह रहे हैं कि बहुत मिस करते हैं आपको। और भाई क्या ही, अभी हमने किसको देख रहे थे, M4 का क्या ही आर पार्ट प्ले आ रहा था, या तो हमारा क्रिस्ट आई थिंक सो। बीडी के एक बंदे नॉक है और वहां पे रिवर्ट दिया जा रहा है 3 नंबर 3 के द्वारा अपने बंदे को। तो आपको क्या लगता है साइड पे कौन जीतेगा? टीम ईटीसी की टीम भी वैसे बढ़िया खेलती है, बट आई थिंक घातक की टीम कौन सी है, वीडी, ये भी बढ़िया, पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन कैप्चर की थी, तो आई थिंक ले जाएंगे। क्या लोकेशन पाई है यहाँ पे, एक बंदा बच्चा है जॉर्ड, एंड जॉर्ड भी मेरे को लग रहा जाएगा, और ये पीछे से कवर आते हुए घातक हेमंत भी हो चुके हैं नॉक, बट पीछे से पूरी की पूरी टीम 9 के यहाँ पे एक बंदा रह गया है, देखते हैं भाई हिटमैन भाई बचा हुआ नहीं, एक नहीं दो रहते हैं, बट ईटीसी का यहाँ पे इतना ही सफर था। बीडी की टीम पिछले भी बहुत बढ़िया खेली थी, मुझे K9 का समझ नहीं आया इनका कि इन्होंने K9 क्यों निकाली, बट वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बैरो की स्क्वाड जो है नंबर 4 की, इनको पोजीशन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 3 मैन खेल रहे हैं आज। हमारी वाली स्क्वाड को देखे जरा भाई, पंजाब वर्सेस की स्क्वाड क्या कर रही है इस वक्त, कहाँ पे है भाई ये, मैं भी वो देखना चाह रहा हूँ पीडब्ल्यू की स्क्वाड कहाँ है। ये मेरे ख्याल से टीम 7 स्लॉट था हमारा, भाई भैंचो निपट गए भाई, सस्ते में निपट गए ये। अरे गजब बेइज्जती है भैंच। ये तो बहुत दिक्कत हो गई, चलो कोई बात नहीं, अपने टीम को थोड़ा मोटिवेट करिए। हाँ बढ़िया भाई, ईविल की टीम की यहाँ पे फाइट हो चुकी है। हाँ जी, ईविल ने दो बंदों को नॉक किया है, बीस्ट के बंदों को, बीस्ट रिबेल को फिनिश कर दिया गया, बस लास्ट बचे है बीस्ट में की भाई डीबीएस लेके कांपते हुए बैठे हुए हैं ये। मैं क्या करता, ईविल ने घेर लिया है ना, ईविल ने घेर लिया है तो खेलना था ना बीस्ट मिकी की, यहाँ पे कतई सहमे हुए आई थिंक, फटके चारों रखी है, ओ नहीं सॉरी कतई से बैरो वाला दिन यहाँ पे पीआरएल एम गॉड को नॉक किया, और भाई क्या ही हगा इन्होंने, डीबीएस की गोली तक नहीं चलाई। बिल्कुल यहाँ पे नॉक फाइट होते हुए बैरो की टीम की, और इन्होंने एक बंदे को नॉक किया हुआ है, फिनिश भी कर दिया उन्होंने पीआरएल के उस बंदे को, पीआरएफ के उस बंदे को, ब्लेज वाइट ओपी की भी यहाँ पे फाइट हो चुकी है, उन्होंने नॉक कर दिया सामने की तरफ टी ओ जोकर को, एंड टी ओ जोकर के ऊपर आई थिंक अब अंधा रश होने वाला है। यहाँ पे बैरो की टीम के पास, यहाँ पे जो टीम नंबर 8 है उसके पास थोड़ा हाई एडवांटेज, बट ये करना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रही, जो कि टीम नंबर 11 का बंदे के सामने इनको नॉक कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे भाई टीम 17 को देखिए जरा, क्या ही बचाने आई अपनी टीम को, बट उधर से भाई वाईटी की टीम की तरफ से पूरी की पूरी स्प्रे डाल दिया गया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी अगर फूटती है तो भाई यहाँ पे दोबारा से नॉक हो जाएगा, और ये भाई जैसा हमने कहा था नॉक एक बंदा हो गया, एंटी और जोकर तो फिनिश ही हो गए, जो कि पर 9 आई थिंक पीआरएफ की टीम ही थी है ना, नहीं स्लॉट 9 है, घाटक और वीडी जिन्होंने अभी खत्म किया था टीम एक्सटी को, हमने आपके इनको पूरी पूरी फाइट दिखाई है, ब्लैक की वाइट हो चुके हैं यहाँ पे देखो टीम 17 के ऊपर, बैरो का एक बंदा नॉक है यहाँ पे PB55 का, हरजब नाम है इनका, टीम 8 का एक बंदा नॉक और स्मोक हुआ है इनके ऊपर। यहाँ पे फॉरएवर की टीम अंदर मार रही है रोटेट, जोन का शिफ्ट मुझे लग रहा है कि, और यहाँ पे वाईटी की स्क्वाड ने भी टीओ टॉक्सिक को कर दिया नॉक, टीओ टाइटन बचाने के लिए जा रहे थे, प्रॉन शॉट मारा बट उन्होंने प्रॉन शॉट मारा और सामने से ब्लेज ओपी वाईटी से कवर आया है, 1v1 की सिचुएशन यहाँ पे मिस्टर साइक और ब्लेज ओपी वाईटी, और ये भाई निकल के क्या ही ब्लेज ओपी वाईटी ने कर दिया यहाँ पे M1 64 से खत्म इनको।
यहाँ ये पे फाइट ये मेरे तो को हो गया बाद में चली, खत्म। पता नहीं क्यों समझ नहीं आई मुझे ये फाइट मेरे को बाद में हाँ ये मेरे किल फीड में टीम। बाद में दिखती है, यहाँ पे पीएलएफ की टीम भी खत्म हो चुकी है जैसा कि आप बोल रहे थे, बट हम वो दिखा नहीं पाए क्योंकि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, पीते हैं प्लाईमैन भाई चाय। अरे फ्लाइमैन भाई उपिन चैट कर दो सारे। हमने पूरा स्विगी छांट मारा यार, बट हमें कुछ बढ़िया चीज खाने को नहीं मिली, इसलिए हम सोच रहे हैं मैगी खाएंगे लाके। छोले कुलचे मंगवा लो, छोले कुलचे क्या जबर होते हैं। परोसो चाय और वाटर। एनएस नेक्स्ट स्टार यहाँ पे भाई जा रहे थे सामने एनएस की, और ये भी देखे तो एनएस की टीम के बाकी बंदे भी यूएस से निकलते हुए। अलग निशान ने फॉरेस्ट का भाई कतई पूंछ बना दी, पूंछ मतलब समझते हो ना, साथ नहीं होती है पीछे पीछे होती है बस। एंड वीडी की टीम यहाँ पे भाई क्या ही रैली निकाल के जा रही है, आई थिंक ब्लेज ओपी वाइटी की टीम के ऊपर अंधा रश होगा अब। और ये भाई पहुंच चुकी है ब्लैक वाइटी के ऊपर यहाँ और इस पे। समय जो ब्लेज की टीम 15 नंबर की टीम और जो वीडी की टीम है, इन लोगों ने जो कैप्चर कर रखा है पोजीशन वो बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है जोन इस तरफ ही जाएगा शिफ्ट होके, तो हाँ मेरे को भी यही लग रहा है। ये एक आईजीएल की तरफ से आपको एक पूरा जोन प्रिजम्पशन दे रहा हूँ मैं। मेरे को तो और लगता है भाई जोन बनना चाहिए पानी के अंदर, क्या ही मजा आएगा। एनएस प्रोल सामान है यहाँ अरे पे भाई, थर्ड पार्टी कर दिया ब्लैक ई वाइटी के साथ। और डीपी पे 6x लगा और रखा है भाई ना, क्या गलती ही की है। घातक एमंड ने क्या ही किल चुरा लिया एनएस प्रोल सामान का, अभी गुस्से में होंगे क्रूअल सामा और अंधा घुसेंगे और वीडी चैटर की टीम का देखते हैं क्या होता है अब घातक एमंड के साथ। अब गुस्से में आई है यहाँ पे एनएस की टीम। ब्लेज ओपी वाइटी को देखा तो बग्गी निकाल के भाई टाइम रहते निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट चलती अरे गाड़ी मैंने से किया उतार क्या लिया गया। है, मैं किया क्या, मुझे समझ नहीं आया बस और चला ये थोड़ा भाई देखो। एम फोर के स्प्रे के साथ शैटर ने कर दिया भाई एनएस के जग को नॉक एंड अंधा रश कर रहे हैं यहाँ पे। क्रूअल सामा गुस्से में देखते हैं क्रूअल सामा क्या करते हैं अब यहाँ पे। क्रूअल सामा ने क्योंकि यहाँ पे किल चोरी किए गए थे, क्रूअल सामा गुस्से में है कह रहे आज जाने नहीं देंगे भाई, पहले तो वीडी शैटर को निपटाया। बिल्कुल। और भाई और ये घाटक हेमंत यहाँ से क्या कर रहे हैं, पड़ेगी नॉक, डेड शॉट भी नॉक हो और गया यहाँ लो पे। भाई ठीक है यूई चोरी भाई, चोरी भाई बचे अकेले। और ये भाई क्रूअल सामा को फिनिश कर रहे हैं, ये भी गुस्से में है। इनकी तरफ से हाँ बहुत गलत अप्रोच हुई यहाँ पे, इन्होंने सारे बंदों को एक साथ रश करना चाहिए, ये अलग अलग स्प्लिट बनाए हैं, हाँ ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज। अब इनके पास 2v4 की फाइट है और यहाँ पे नेड निकाला गया है और और ये भाई पीछे से क्या ही कवर आया निक्सटर का। घातक बिल्कुल हेमंत बचे, अब घातक हेमंत की सहमे हुए हैं थोड़े से आई थिंक। ब्रो आपका भी भाई के चैनल का लिंक कहाँ है, पता। आपके भाई के चैनल का लिंक कहाँ है। हमारे भाई भाई सब हमारे भाई हैं भाई, यूट्यूब पे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, जाओ ढूंढ ढूंढ के एक पर्टिकुलर हर चैनल को। पहले तो ये चैट में जो पीना है उसको करो। पीओ की टीम के भी यहाँ पे हो चुके हैं बंदे नॉक, टीम 13 यहाँ पे एलएफ पिकाचू भी नॉक पड़े हुए हैं, एलएफ पाक आगे थे बढ़ते हुए। टीओ का रीपर को इन्होंने फिनिश किया वहाँ पे, टीओ ठग एंड टीओ गाय भी आ चुके हैं टीम टू के। ये टू मैन खेल रहे हैं, इनके पास थोड़ी डिसएडवांटेज रहेगा, इनके सामने है सिंगल मैन आदमी। और अगर हम ग्राउंड अप्रोच लेके चलें, ग्राउंड अप्रोच में भी 2v2 की फाइट होगी यहाँ पे, तो वो ये ज़्यादा एडवांटेज तो दोनों पे नहीं रहेगा। अब यही है कि इसका दबदबा रहता है। टीओ की टीम आगे की तरफ जा रही थी, सामने से ऑक्सीजन की टीम फायर दे रही थी, वो सुनते ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एनएक्स मफ नॉटी ने यहाँ पे ऑक्सीजन के बंदे को कर दिया एम4 के टैप टैप गोलियों मार के नॉक। बिल्कुल। और इधर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फॉरएवर ऑलरेडी अपना जोन में बच चुकी है शायद। स्लॉट 4 हेलेक्स को दिखाते हैं, ये रही हेलेक्स गुटका के अंदर है फॉरएवर की टीम इनके सामने। और भाई हम इनको देखते ही इनके लूसीफर भाई को नॉक कर दिया गया फॉरएवर की टीम की तरफ से। जिस हिसाब से फॉरएवर ने फिर से नो रोटेट मारा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनको कोई फाइट चैलेंजेस नहीं देखे यहाँ पे और एकदम इजी रोटेट था इनके पास। और ये रोटेट भाई घुस गए हैं यहाँ पे भाई, पीछे से क्या ही डीपी से कवर कवर आ रहा था मिनी से, सॉरी। एंड यहाँ पे एनएक्स की टीम की फाइट हो रही है बट हेलेक्स के टीम के यहाँ पे एक बंदा बचा, तो देखने वाला होगा क्या पता ये 1v4 कर जाए। रोटेशन यहाँ पे और ये कश्यप भाई तो अंधा घुसेंगे अब भाई, नेट करा गया है और ये देखिए। और ये भाई मारा बस अब तो भाई लूसीफर भाई तो भगवान का ना। और ये भाई गेट इन करके खेल अरे क्या वाह ही वाह, भाई लेकिन देख अच्छा रिफ्लेक्शन पे हाँ हाँ कश्यप का, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन। सरस भाई बिग फैन फॉरएवर भाई वो कह रहे हैं आपसे। मैंने एल एफ पिकाचू भी यहाँ पे टीम 13 के बंदे आगे की तरफ नॉक कर चुके हैं भाई, आगे की तरफ टीओ के बंदे को। फ्लाईमैन कह रहे हैं सरस भाई बिग फैन, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। टीओ और गए देखिए बच्चे हैं क्या जोन बनाया, मतलब ओपी जोन
भाई क्या ही बना है भाई, सारी की सारी टीम्स को बाहर फेंक निकाला है। अगर मैं यहाँ होता खेल रहा होता गेम तो हमारी स्क्वाड तो सबसे ज्यादा खुश होती इस समय। जोलजो सिटी यस ब्रो यस ब्रो भाई, भाई क्या ही नॉक किया टीओ गाय ने यहाँ पे भाई। एलएफ पाक भी कर दिया भाई खत्म, क्या ही विजन के साथ यहाँ पे टीओ गाय ने भाई दोनों बंदों को कर दिया खत्म एलएफ के। देखने वाला सीन था ये, विजन क्या ही चला रहे थे वो। एंड 77 की टीम का आई थिंक मेरे को यार दिल कर रहा है कि मैं स्ट्रीम स्नाइप करवाऊँ क्योंकि जोन के अंदर जा रहे हैं वो। कोई बात नहीं, एनएस की टीम भी यहाँ पे जोन के एजिस पे रह रही है। फोन आ रहा है प्रज्ञा इंफॉर्मेटिक। एंड यहाँ पे देखा जाए तो इविल निंजा को भी नॉक कर दिया गया भाई बैरो की टीम की तरफ से। बिल्कुल बैरो की टीम अच्छा खेलती है यहाँ पे, बैरो की टीम अच्छा दुण दुण दुण। हेलो गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, यस मैम। मैं बड़ी स्पीड तक निकला था ताइयो हो मेरे कल सारा मोड़ कटिया पूरा मोड़ कटोई गया। मारो यार उन्हें, जब मरो उन्हें हथो एक काम तो करो यार। सर फॉरएवर के रिमोनिक नॉक हो चुके थे दोबारा हो गए हैं इनकी तरफ से। टीम बीएलडी नाइट्रो की टीम जो है वो को फायर कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि फॉरएवर के बंदे बच पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ओ यहाँ पे फॉरएवर कश्यप भी नॉक हुए पीछे से थर्ड पार्टी और अच्छा हम भी वापस आ चुके हैं इसके साथ। फॉरएवर एक्स नील को देखे तो भाई टीपी निकाल के क्या ही फॉरएवर से नॉक किया एनएस की टीम के। निक स्टार को स्मॉफ नॉटी को भी बहुत तगड़ा डैमेज, निक स्टार को फिनिश कर दिया जाएगा। और ये भाई पीछे से M16 से वो चल रही है पीछे से यार। 77 स्पोर्ट्स भाई यार फोन आया था एक्चुअली यार मर गया क्या भाई, क्या नाम है भाई, मर गया भाई, मार दिया भाई, छोटा ही नहीं फोन भाई। आया था डेट्स व्हाई हम थोड़ा सा चुप हो गए थे। टीओ गाय अभी भी भाई, टीओ गाय को मैं जितनी टीओ ठक को मैं जितनी बार देखा भाई अभी तक नॉक ही मिले हैं मेरे को। ए भाई टीओ गाय भाई देखो भाई घुसे ओ पीवी डेट करन देखो भाई क्या ही मतलब सामने से निकल के गए थे पीछे से भाई उनके टीममेट ने किल चुरा लिया मौली डाल के उनके ऊपर। भाई भाई ए भाई ए भाई मोटा भाई और ये ऑल पे कोई मोटा भाई कह रहा है किसी को मोटा भाई मतलब ये फॉरएवर का फिर उतरी अंदर बड़े भाई बड़े भाई विलन था मैं उतरे एक बार गड्डी मोड़ के स्टार्ट करा बड़े भाई। एंड जोन फिर से कट गया भाई, जोन कट नहीं रहा है आज, जोन काट रहा है सबका। पटियो जो बैरो की टीम है ऑलरेडी मजे से बैठी हुई है यहां पे, ये बैरो और इवन बैरो कह रही है दिक्कत का आ रही है हम बैठे हैं तुम आओ। ऑक्सीजन की टीम भी आए और भाई अभी मेरे को यार देखने में किसको देखे समझ नहीं आ रही है क्योंकि फाइट और ये फॉरएवर की टीम के सामने से भाई एनएस के ट्यूबल सामा भाई निकल गए हैं और वो भी अकेले बचे हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे यहाँ पे यार। उधर से आए ना के करते यार जान दो इन्हें, नहीं शांति ना जा रहे बंदे जान दो। अकेले और एक क्रूअल सामो को क्या नॉक किया, यूएमपी से फिनिश किया है
इतनी खुशी, इतनी खुशी। और ऑक्सीजन के बंदे भी यहाँ पे नॉक हो रहे हैं। उधर यहाँ पे देखो तो मैं ईविल के बंदा एक नॉक पड़ा हुआ है स्पार्टन। एंड यहाँ पे विलेजर की टीम भी, विलेजर गुजरात की टीम ने एक बंद कर दिया, एक टीम को खत्म। एनएस स्मॉग नॉट ही बची है एनएस की टीम के। बच नहीं, रुको दो भैया, दो मिनट बच नहीं, बस सॉरी हमारा थोड़ा तोतला हो गया। मुख देनी जल्दी, कोई बात नहीं, फॉरएवर, कोई बात नहीं फॉरएवर। यहाँ पे अभी मैं देखूं तो टीपी के फायर जाते हुए भाई अजूबा पे, अजूबा पता नहीं, अजूबा है हमारे ये, इनके ऊपर अभी डीपी का फायर जा रहा था। निकी और अजूबा दोनों है बग्गियों में जा रहे हैं। और ये विलेजर कुछ जोत को देखे तो क्या ही लेट गए थे अभी। मारो भाई मारो, उतार दो गाड़ी से, देखना चाहते हैं हम कैसे उतार। माय शमल है कल पे फॉरएवर डील आ रहे हैं जोन के। ब्रदर ये देखते हैं भाई कैसे ही जोन कैप्चर करेंगे अब, क्योंकि जोन के हर एज पे देखा जाए तो वो बंदे हैं हर एज पे। और एक बग्गी का टायर पंचर करके, और ये भाई प्रोन होना चाहिए इनको, प्रोन हो चुके हैं। बग्गी को फोड़ा जाएगा और बग्गी फूट के पीछे से भाई मेरे को लग ही रहा था जाने देगा। मिक्की ने यहाँ पे दे दिया मिक्की भाई 77 की टीम भाई, बहुत गलत किया भाई, बहुत शर्म कुत्ता उसी मां इतना मीट खिलाया मां है पिता ने मीट बटन तुमने ये गजब स्प्रे। और मिक्की की टीम ने अभी 77 की टीम ने तो स्पार्टन का कुत्ता है, शायद स्पार्टन का कुत्ता है फिर किया चले। और बोल रहा कोई स्पार्टन का कुत्ता है, स्पार्टन का कुत्ता, ठीक है भाई ऑल पे बोल रहा है। हेलो भाई ऑल पे है कोई? हेलो भाई ऑल पे, हां है, पापा है, पापा है, पापा है ऑल पे, कोई चक्कर नहीं। और ये मेरी आवाज जाए ना ऑल पे मैं बताऊं उसको। हेलो स्ट्रीम वाले बाबू बोल भाई, मेरे को बोल रहा भाई ऑल पे, कह रहा है हेलो स्ट्रीमर बाबू भाई, हैक लगा के आते हैं। मैं इनको बैन करोगे भाई? मेंबर बोल रहा हूं भाई, ईविल की टीम बोल रही है। नहीं नहीं कह रहा है, ईविल का मेंबर बोल रहा हूं, पता नहीं क्या बोल रहा है यार। डिप्टी की स्क्वाड है लेकिन यहां चुंड बनाई है, लूटा है ये हिमाचल ही लग रहा है जो ये बोल रहा है ना ऑल पे, हिमाचल से होते ना जो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो जाए फाइट। एंड इवन स्पार्टन ने हमें नरूटो को नॉक कर दिया भाई, नरूटो पर्टन फिनिश कर रहा है, टीम नंबर 21 नॉक खत्म होती हुई दिख रही है मेरे को। एनएस की टीम भी यहाँ पे भाई कर चुकी है एक बंदे को नॉक। एनएस की टीम ने यहाँ पे भाई बीटीसी लेजेंड को कर दिया खत्म, जो कि भाई विलेजर को जोड़ के रोजा चला रहे थे क्या ही ओपन में निकल के ऊपर स्पार्टन भाई नॉक हो चुका। गोकू को भी यहाँ पे उसके साथ फिनिश कर दिया गया। इक्वल टीम खत्म, इक्वल टू अब तो यहाँ पे 1 2 3 4 टीम से इसमें से इक्वल टू 4v3v2v1 की फाइट है। और डीजूबे को देखे तो भाई डीजूबा वहाँ पे भाई ड्रॉप लूटने गए हैं आई थिंक। अजूबा सॉरी, अजूबा ड्रॉप लूटने गए हैं, इक्वल टू अजूबा है, अजूबा और अजूबा, अजूबा ये सबसे ज्यादा अजूबा कर रहे हैं देखते हैं भाई क्या ही आगा इन्होंने। डीपी का स्प्रे बैरो अलादीन पे प्रेम बना दिया करता है अलादीन का, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इनके बग गाड़ी का एक टायर पंचर है या फिर कितने टायर पंचर है, चलो घूम के देखते हैं। मैं घूम के देख के आऊं, मैं देख के आया खुद ही गया, एक आगे का पहिया तो दिख रहा है पंचर ने। ये करना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, स्मोक करा इन्होंने एक पहिया पे। ओ भाई तीन तीन पहिये पंचर है, एक ही पहिया है बस इसका, गाड़ी तो उठाएंगे नहीं है। हाँ गाड़ी उठाएंगे मरेंगे भाई, छोटे मुझे लग रहा है अभी भी जाएंगे गाड़ी उठा के, गाड़ ही फट जाएगी। और भाई पड़ रहा था सामने से भाई स्मोक जो है अभी पड़ी है 50%, अंधा स्प्रे आता हुआ वहाँ पे P50 की टीम की तरफ से। अब उठ के जा रहे हैं, और भाई उनके मिकी भाई ने भी क्या ही स्मोक के लाइनें बना दी हैं उनके लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मिक्की की तरफ से, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवर। और यहाँ पे सेफली आते हुए ऊपर, और ये एंट्री ऑफ जैसी जोन के अंदर आया वैसी जोन के अंदर से शिफ्ट हुआ, जोन अल्टीमेट जोन शिफ्ट हुआ यहाँ पे। एंड हमें एनएस की टीम को बंदे को देखा जाता है भाई आराम से अकेला ही लगे हुए हैं डीपी के साथ मारने, और भाई क्या ही जोन ने अब सबका काट दिया, सबने सबका ही काट दिया, सबका ही काटा है जोन ने। बट यहाँ पे जो ये गाड़ी है ना इनके पास उससे एडवांटेज रहेगा कि जोन के अंदर पहुंच जाए, और जोन बना रहे हैं टीम के लिए।
जो कि इजीली रोटेशन काट के जोन के अंदर ये पहुंच, ये जहाँ पे इस वक्त एनएस मफ नोटी है ना, एक्चुअली मैं मेरा दोस्त है स्ट्रीमर, हम उसके साथ खेलते होते थे, तो हम तो मर चुके थे, स्पेक्टेट कर रहे थे भाई। हमारे एक बंदे ने यहीं पे जिस सिचुएशन पे ये बंदा है वहाँ पे ओआर मावी था, उसको मारा था उतर के उसके मारा था यहीं पे। ये तो ओपी ओपी मजा आया। मारा भी किसने, यो नूब वाला बंदा था ना जो हमारी टीम का, हम हैरान भाई तुमने मारा, हमने तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि नहीं भाई मावी नहीं होगा तुमसे, मर गया तुम कौन हो, बट बाद में पता लगा भाई बंदों को बोट मार जाते हैं भाई, ये क्या चीज है। तुम मरे हो कभी बोट से? मैं तो बहुत बार मरा हूँ। नहीं मैं मरा हूँ, एक दो बार ही मरा हूँ बोट से, मतलब बहुत बार नहीं। मेरे साथ पता क्या होता था, जैसे सामने पूरी टीम है, क्लच कर दिया बेंचो, 1 HP रह गए, पीछे से बोट ने एक गोली चिपका दी, चलो घर। एनएस मफ नोटी को देखे यार 2 मिनट के लिए, क्योंकि अकेले रह गए हैं एंड भाई घेर लिया, और ये भाई इनको देखते ही खत्म कर दिया गया लियो की तरफ से, कह रहे इनको देखा कैसे तुमने, कैसे आग दिखाता है मादर भगत। टीम एनएफ आईएनएफ की टीम विलेजर गुजरात की टीम के ऊपर देते वो पूरा अंधा फायर, अल्फा ड्रैग ने यहाँ पे विजन के साथ भाई विलेजर गुजरात को नॉक कर दिया। बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे आईएनएफ की टीम जो है वो सुपर चांसेस लग रहे हैं जीतने के, पढ़ने के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी। नंबर 21 ने अपना एडवांटेज खोया है, बहुत अच्छा एडवांटेज था इनके पास 4 मैन का, लेकिन उन्होंने खो दिया, अब 2 मैन हो गए लोग। INF की टीम जिसको आप बोल रहे थे कि चिकन करेगा, उसका भाई क्या ही हाल हुआ है भाई, 4 से सीधा 2 हो गए डिवाइडेड बाय 2। विलेजर की टीम भी यहां पे ले सकते हैं चिकन, दिख रहा है जैसे कि टीम नंबर 11 भी 11 फिनिश के साथ बैठी है यहां पे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 11 फिनिशेस। बैरो की टीम होगी ना? हां वही है, बैरो की टीम। लो जी विलेजर गुजरात को तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सस्ते में निपटा दिया जाएगा मिकी की तरफ से। नहीं मिकी ने यहाँ पे PP50 हिजाब को नॉक किया भाई, और बिजन से वहाँ पे बैरो वाला दिन की सवाल मारा था, और ये भाई टीम INF के बंदों को देख लिया गया। और ये क्या, मेरे को लगा कि टीम INF के बंदे नॉक होंगे, बट यहाँ पे तो उल्टा ही काम हो गया था, और 77 मिकी यहाँ पे जाने नहीं देंगे इनको, बट उनको पता नहीं कि अगर ये जोन में निकल जाते हैं तो उनका जोन में जाना ये मुश्किल कर देंगे। और जूबा को देखे तो भाई क्या ही लेट के कतई साफ बन के और गिली डाल के आए हैं सामने की तरफ अल्फा ड्रैग भाई इनके, और मिकी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं यार, अब नहीं बच पाएंगे मिकी तो नहीं बचते अब, बट और जूबा भाई चाहे तो भाई चिकन करवा सकते हैं इजी। मैं कहता हूँ ये बग्गी जहाँ पे लगाई है उधर ही जाके लेट जाएं, क्योंकि जो दूसरी टीम है टीम 21 उसको लगेगा नहीं कि जहाँ पे हमने बग्गी लगाई है वहाँ पे आगे बंदा बैठ चुका है, बस वही वाली बात। इनकी टीम के एक ही फिनिश है अभी तक, मैं ये जो देख रहा हूँ ना, बट टोटल देखते हैं 77 की टीम का क्या था। और ये भाई टीप ये क्या भाई गलत, आई थिंक इनको यहाँ पे रुकना चाहिए था थोड़ा सा, इनको वेट करना चाहिए था कि कब उनकी फाइट हो, उनमें से कुछ खत्म हो, हमेशा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती ना। वही 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 अब मुझे तो चांसेस यही लग रहे हैं कि बैरो की टीम ही जीतेगी यहाँ पर बहुत आराम से, साफ है भाई अगर उठ के भी चली जाती है बैरो की पूरी टीम तो भाई तभी भी वही जीतेगी। और यहाँ पे क्या स्प्रे आया है, अल्टीमेट स्प्रे यार, बहुत अच्छा स्प्रे यहाँ पे, देखना पड़ेगा अल्फा ड्रैग को, मुझे भी देखना पड़ेगा ये जो उन्होंने स्प्रे दिया है ना बीजी बिजन से बाइजन से अपनी पूरी बाइजन से उन्होंने खाली कर दिया। उधर से लियो जो है वो रोटेट करके आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ से, उनको लोकेशन पता है वहां पे भाई, ओए भाई वहां पे खत्म घास थी ना यहाँ पे शायद, हाँ शायद क्या, हाँ थी। अब देखिएगा आगे देखते हैं, मुझे इनका गेम प्ले थोड़ा सा बहुत ही बड़ा डाउट में, गेम प्ले बहुत बड़ा भाई,
और आई थिंक इन्होंने पहले ही देख लिया है एंटी, इनके पास नॉक रहा था आई थिंक, बट क्या ही भाई। चिकन डिनर तब भी नहीं आया। और यहाँ पे हमारी स्ट्रीम पे भाई टीम मैच खत्म होने से पहले ही कह दिया गया कि ब्रो हैकर है अल्फा अफला, गलत बंदा है शायद, फ्लाईमैन भी कह रहे है गलत बंदा। हाँ हमने इसलिए इसको फोकस किया कि इसका जो ये बंदा मार रहा था मुझे भी बहुत ही ज्यादा गलत लगा, तो ये तो हम खैर अपने 77 के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बता देंगे कि इस पे थोड़ा वॉचफुल रहे, बट तब भी बैरो के टीम का वेल डिजर्व चिकन डिनर आता हुआ यहाँ पे। सही है, नाइस बैरो नाइस। लेकिन लेकिन जो ये अल्फा ड्रैग ने 8 फिनिशेस किए हैं ना, मुझे थोड़ा घपला लगता हुआ यहाँ पे बहुत ज्यादा। इनकी वजह से ही भाई कुछ टीम जो है वो पॉइंट टेबल में टॉप पे नहीं आ पाती ऐसे बंदों की वजह से। जी बिल्कुल। एनीवे ये करीता साला, चलो मैं स्ट्रीम म्यूट करता हूँ पहले तो। ब्रो वीसी में आके बात कर लो यार, एक्चुअली क्यूट किड्स भाई वीसी में आके बता दो इनको, हमारी तो चलती नहीं है भाई। क्यूट किड्स भाई यार एक कॉन्करल प्लेयर, आप मैं किताबी तो कह रहा हूँ बात कर लो यार स्ट्रीम बीसी में आके।
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. लाइमन स्ट्रीम पे है क्या? आ जाइए अगले गेम खेलना है आपको। सरस भाई एक गेम खेल लो आप मेरे स्लॉट से, क्योंकि कहाँ आऊँ बता रहा हूँ मैं तेरे को, बिजी आ जा तेरे को। तरस भाई मैं आपको स्लॉट बताता हूँ मेरे, खेलना यार एक मैच, वो भी फ्लाईमैन भी आ रहा है, फ्लाईमैन आप और दो बंदे मेरे, वो पता नहीं बाकी के दो कहाँ गए। हाँ वो आई नहीं दे, मैं आपको आपको तो इनवाइट कर ही देंगे। फॉरएवर भाई क्या नाम है इनका, वो कह रहा है वीसी में बात करवा दो एक बार सरस भाई से। सरस भाई नीचे आ जाओ, चाहे जनरल में आ जाओ। हाँ हेलो, तेरे को आईडी पास दे रहा हूँ मैं, तो उधर आ जाइयो, तेरे को मैं बताता हूँ मेरा स्लॉट कौन सा। सरस भाई आपको भी आईडी भी दे देता हूँ मैं स्लॉट बता देता हूँ। ये भी मेरा हमारा बेंचोर हाँ क्या करना है शुरू। सरस भाई आ रहे हो? सरस भाई तो नहीं आ रहे, ऋषभ यार फ्लाईमैन तो आ जाएगा। और तुमने पिछले मैच में क्या ही मतलब बढ़िया हगा, तो जाते ही क्यों अपार्ट, अपार्ट तो मैं उतरू ही ना कभी भी। थ्री पी एम में हमारा स्लॉट है, स्लॉट फाइव। स्लॉट फाइव बैठ जाओ, स्लॉट फाइव मैंने फ्लाईमैन तरम को भी दे दिया। सरस भाई आ रहे हो? You are me,
पेड स्लॉट चाहिए, पेड स्लॉट। तू अधूरा जी रहा है। आईडी दे पहले, आईडी दे ना। क्या मोबाइल नंबर? कल छोड़ छोड़ खेलेंगे, छोड़ खेल लेंगे, ऐसे नहीं। तड़प रहा नहीं चाहता। यार भूख लगी यार, क्या ऑर्डर करूं? महंगी बहुत है यार चीजें बेंचो। चलो भाई तुमने जो बताया वो मैं कर लेता हूँ, एक एक चीज अपने लिए। करवा देते हैं, ठीक है भाई। या तो बंदा बढ़िया खेले है फिर तुम ना दो, अग तो हग रहे हैं तब बंदे। दिया तो भाई तुम्हें मैंने वो दिया था, वो क्या गलत उसको सहानू भी थी, मैंने नहीं दिया, लोड़ा किसी और ने दिया होगा। दे ना, बट नाम मत, नाम ना आए अपना। मैं तो खुद दे दूं भैंचोर। क्या ऑर्डर करूँ बेंचो? चॉकलेट केक, बेंच 200 रुपए का केक है। आ जाओ आ जाओ, आएंगे चारों आएंगे। अभी फ्लाइमन खोज जा, 5वां ही है यार। सरस भाई समझ ही नहीं आ रहा यार मैं तो क्या ऑर्डर करूं, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा यार। सस्ता बहुत है सामान यार, सिर्फ 200 रुपए का शेक है भाई, थोड़ा महंगा हो फिर मंगाए, सस्ता बहुत है बेंचोर। बुला नीचे देखो बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं कश्यप। उसका जाके जानबूझ के बोलूं वही कश्यप, एक रात की बात बताऊं बात। जैसे ही चालू करना लगाओ दबा दियो भाई, बोर हो जाता यार बंदा। बात कर रहा हूँ मैं, छप छप चम 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 चम
आ रहा है क्या वो क्या बोलते हैं यार बकाडी, वो आएगा? डिगो आ रहा था ना? नहीं आ रहा तो देख बोला। क्या मना करेगा, वो गुस्सा हो जाएगा वो। पता, इससे पूछो भाई, इसको 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 पूछो भाई, ये सब यही करता है सारा। सारस भाई यार मैं भी शुरू करना है यार रात वाला। हमारे वाले में भी खेल लेना यार, पंजाब वॉरियर्स वाले में नया बनाएंगे हम। ओ यार आईडी पास बैंक जो बंदे तो आए, मैं कह रहा हूँ ओपन में कर, ओपन कर दें शुरू में। मेरे को आता नहीं ना, शेयर तो करो तभी व्यू आएगा। चल यही मंगा लेते हैं बैंक जो, नूडल समोसे। वो मैं भी वेजिटेरियन हूँ यार। मोमोज पे लिखा हुआ है नेक्स्ट अवेलेबल एट 11 AM टुमारो। कहाँ गए, पंजाब के छोले कुल्च? अच्छा वो वाला नान वाला, नान को कुलचा कहते हैं ना, नान भी कहते हैं उसको। वो तो अल्टीमेट है भाई। छोड़ दे, मैं नहीं अभी देख रहा। किक किक हो जाएगा। पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैंने ना बात की उससे, कौन था उसने पता नहीं, हाँ अंश था शायद से, पता नहीं कौन था। मैंने कहा कि बंदा है उसको खेल रहे हैं, खिलवाएगा। पता नहीं अंश था कौन था, डैनी था, कहता कहता स्लॉट वन में बिठा दे। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने बिठाया। बाद में ये मेरे को आगे बोल रहा कि हाँ एक मिनट बैटर है। क्या मैं तो अपना तो ऑर्डर करूँ बहन, जो मेरा ऑन ही रहा इधर करता हूँ, तुम्हारा भी करता हूँ।
कॉलम पे और ऑर्ड। मेरे को पहले अपना अकाउंट में बैलेंस देखने दे। रुक भाई, चैट तो नहीं आ रही क्या स्ट्रीम पे? कोई देखना, मैं चेक नहीं कर रहा। पैसे की तो कमी है बेंचो। क्या करेंगे भाई, कॉन्करर जाके बेंचो क्या ले लेंगे। शरद भाई तुम भी कॉन्करर हो क्या? तो बढ़िया भाई भाई, मतलब गांड घिसा घिसा के कॉन्करर पहुंचो और मिलेगा क्या? सिर्फ एक प्रेम। नहीं हम क्राउन गए हैं, हम एसी गए हैं पता है। वो बस एक बार लॉकडाउन हुआ था जो पहले वाला, उसमें बोल। नहीं नहीं फ्लाईमैन को नहीं पता। नहीं नहीं फ्लाईमैन अगर हमारी टीम से खेलता फिर थोड़ी ना मरेगा। चालू तो नहीं हुआ ना अभी गेम, अभी मैं वो देख लू। की तीन स्क्वाड है मेरे तो। कब भाई मैंने ऑर्डर कर दिया बेंचो, खाने का मन नहीं कर रहा। मैं बताऊं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, बताता हूँ रुको। ओके भाई रुक गए। यहाँ पे आपको आना है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर आए यहाँ पे। उसके पहले दिख मत जाइयो। मैंने मंगाया है एक आलू टिक्की बर्गर और चार नूडल वाले समोसे। अच्छा चैट में बंदा बोल रहा है पीवीटीआई वाला कि अल्फा हैकर है, पिछले मैच वाला थी जवाब। थैंक यू बताने के लिए भाई जान, रुको बता दे इसको। थैंक यू
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. तो इसी के साथ चालू हो चुका है ये हमारा मैच। Please play in moderation. पहले हम तो ले लेंगे स्क्रीनशॉट्स and play responsibly. Windows Plus. जानी सार है, गेम ओवर। ये बोई जल्दी से कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड देखो भाई यहीं पे चालू हो चुका फॉरएवर। बाइनिक खेल रहे हैं, दिख रहे हैं हमें, अभी दिख रहे हैं हमें फॉरएवर बाइनिक फाइव। तेरे प्यार में मेरे यार जानी सार है। लो भाई क्या ही दो नंबर और एक नंबर क्या ही टीम्स उतरती हुई यहाँ पे भाई। कतई सिमेट्री में उतर रहे हैं, सिमेट्री दिख रही है मैन में मतलब की। तो चलते हैं बाकी की टीम्स को भी देखते हैं कहाँ पे उतर रही है। मैप खोलते हैं पहले, तो मैप में देखा जाए तो भाई कार्डो की तरफ ही जाएगी इस बार हमारी टीम, क्योंकि बोल रहे थे हमारे भाई जान जो कि लेकर जा रहे हैं कार्डो में, यहाँ पे लेकर जा चुके हैं पूरी की पूरी टीम को, जहाँ पे तीन टीम्स इसके अलावा उतरी है। जॉर्ड की टीम है एंड ब्लड की टीम है यहाँ पे भाई, ब्लड की टीम और एम्पर डिगो पिकार्डी, जो कि जहाँ पे हम सीबीआर एंड सरस भाई भी हमारी स्क्वाड से खेल रहे हैं पंजाब वजह से। एंड यहाँ पे उतरते मिनी 14 चलनी चालू हो चुकी है। फ्लाई मैन को देखें जरा, फ्लाई मैन को ही देख रहे अभी हम। एम्पर डिगू को देखें जिनके सामने है टीम इलेवन के बंदे। बकाडी को देखते हैं तो बकाडी यहाँ पे भी 94 लेकर कूदे हैं। एंड यूएमपी के साथ यहाँ पे फॉरएवर की टीम की फाइट हो चुकी है। एंड वहाँ पे उन्होंने हेलेक्स के बंदे को कर दिया है, गेमिंग पवन वाईटी को फिनिश नॉक एंड फिनिश कर दिया है यहाँ पे। उनके टीम मेट हेलेक्स निशांत भाई डीपीएस लेकर हाथ में पकड़े हुए खड़े हुए थे यहाँ पे और नीचे की तरफ कूदे हैं। देखते क्या करते हैं, अब अंदर गए एंड फॉरएवर की टीम यहाँ पे हेलेक्स की टीम के ऊपर जानी सार है जानी सार। एंड देखा जाए तो यहाँ पे भाई टीम ब्लड जो कि एफटीएस की स्क्वाड आई थिंक एफटीएस सिड भाई की स्क्वाड आई है ब्लड। एंड P50 हरचाप ने भी यहाँ पे जियो ठाकुर को नॉक कर दिया, टुकार को ठाकुर को नॉक कर दिया यहाँ पे। ये देखिए जियो ठाकुर को यहाँ पे P50 हरचाप की तरफ से कर दिया फिनिश। एंड यहाँ पे टीम ETC जॉर्ड भाई भी है जो कि है खेल रहे 1v4 सामने की तरफ बढ़ रहे हैं UMP और DPS इनके हाथ में। ऑल पे बोल लो, तुम ऑल पे बोल लो, मैं अकेले मां चोद दूंगा। नंबर देना, मैं तेरे को बताता हूं, तेरे को अभी नंबर देना। आप एक बाप की औलाद है तो नंबर लिखेगा, नंबर लिखेगा, नंबर लिखेगा, नंबर लिखेगा, करना फोन। अरे नंबर लिख के कॉल करना, बताता हूँ तेरे को। तेरी माँ की चूत मातर चोद, घोषणी की बकवास मत कर। कल से 77 खेलेगा नहीं,
अरे खेलेगा नहीं 77 गर्ल से, बता दिया तेरे को अभी भी, बता रहा हूँ तेरे को। अरे अरे तेरे को आने नहीं देगा कोई, बता दिया अभी भी अभी। अरे तू तेरे को आने नहीं देगा कोई, तेरे को कोई आने नहीं देगा बेटे। जतिन ओपी बैरो दिखाओ, दिखा रहा हूँ बैरो ब्रो। अभी भी मादर चोद रंडी का बच्चा लौड़ा। अरे यही है बैरो वाला दिन। एंड यहाँ पे हेलेक्स की टीम के भी बंदा नॉक हो चुका है भाई, देखते हैं हेलेक्स रिसीवर यहाँ पे नॉकड है। डीबीएस के साथ अलग निशान यहाँ पे खड़े हुए। ऑल पे क्या ही गालियाँ चल रही थी अभी, पर एक्स बॉनिक सामने की तरफ। हेलो हाँ जी, हाँ जी भाजी। भाई मैप ने फॉलो करके आ जाओ, ये टिब्बा रोड ही हैगा वै, ये मैप तो ऐबो वाली शो करता। अरे हमारे फोन पे बात करते करते ही यहाँ पे भाई हेलेक्स के दो बंदे निपट चुके हैं, नॉक हो चुके हैं। आखिरी बंदा बचा हेलेक्स का, देखते हैं बच्चा पाएगा अपने टीममेट्स को या नहीं। तो इसी के साथ देख रहे हैं अभी हम हेलेक्स की स्क्वाड को, अरॉन भाई बचे हैं, बैरो के अलादीन भाई को भी दिखाते हैं दो मिनट में। एफ टी एस के टीम मेट ब्लड भाई यहाँ पे नॉक हुए पड़े हैं, जिनको रिवाइव दिया जा रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सरस हमारी टीम से खेलते हुए आज कितनी खुशी। और ये भाई फ्लाई मैन क्या ही यूएमपी से स्प्रे मारते हुए। फॉरएवर ने यहाँ पे हेलेक्स लूसीफर को भी कर दिया नॉक, हेलेक्स लूसीफर नॉक पड़े हुए हैं, फिनिश कर दिया गया था उनको। अकेले बचे हैं अरॉन 007, देखते हैं बचा पाएंगे अपने टीममेट को या नहीं। मेरे को लग रहा है यार ये बैरल लेके निकले थे यहाँ पे, हग दिया, सेव्ड ऑफ वाली पिस्टल पकड़ी थी उधर से डीबीएस का फायर, रन खत्म कर दिया फॉरएवर कश्यप की तरफ से इनको। चलते हैं वापस से, ब्लड यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, हील करते हुए बैंडेड लगाते हुए, बैंडेड लगाते हुए। देखते हैं इधर हम सरस भाई को, सरस भाई भी इधर है, डीगू यहाँ पे है, डीगू यहाँ पे पहुँचते हुए ऊपर की तरफ। और ये अंदर कूदे बट खिड़की का कांच टूटने की आवाज़ नहीं आई अभी हमें। टीम नॉर्थ फ्लैक्स को देखे तो नॉर्थ फ्लैक्स यहाँ पे जाते हुए डुओ खेल रहे हैं, डुओ भी फोर खेल रहे हैं। साइको ने यहाँ पे कर दिया भाई एक बंदे को नॉक एक गेम के साथ, आई थिंक कि यहीं कहीं पे हुआ है साइको नॉक। एंड ईविल गोकू ने यहाँ पे साइको, ईविल की टीम के साथ हो रही है यहाँ पे साइको की टीम की फाइट। एंड देखे तो ये रही ईविल गोकू की टीम जो कि ले रहे हैं सामने की तरफ साइको की टीम के साथ फाइट। साइको के बंदों को कर दिया गया यहाँ पे एक बंदे को, और आएगा पूरा नॉक एंड फिनिश एल एफ की टीम के बंदों को। एल एफ पिकाचू यहाँ पे, एल एफ स्पार्क, एल एफ जॉर्ड, जिसमें से एल एफ पिकाचू जो हो चुके हैं ख़त्म, एल एफ जॉर्ड एंड एल एफ स्पार्क बचते हैं। देखते हैं भाई ईविल की टीम को कर पाएंगे ख़त्म या नहीं। ईविल निंजा, ईविल पंडित सामने की तरफ टीपी पी लेते हुए, ईविल निंजा सामने ब्रोकन वॉल पे थे, और ये भाई जो ओपन में निकले थे स्पार्क भाई, बट फिर आ चुके हैं वापस। आई थिंक बता दिया गया था जॉर्ड भाई की तरफ से कि ओ इधर ब्रोकन वॉल पे भी बंदा है, एंड ध्यान से जाइएगा। यहाँ पे नेट खींच लिया गया और ये पंडित के ऊपर फेंका गया, और भाई पंडित के वहाँ पे क्या स्प्रे आया था, नॉक कर दिया गया यहाँ पे। ईविल की टीम ने इनको घेर के नॉक कर दिया और ये इनकी टीम तो ख़त्म। एंड इसी के साथ चलते हैं हम एनएस की टीम की तरफ। एनएस की टीम यहाँ पे फाइट लेते हुए, एनएस की टीम ने भी घातक हेमंत को कर दिया फिनिश। एनएस नेक्स्ट स्टार क्रूअल समंस मैनी मोर पीपल आर हेयर, टीम 19, टीम 9 के एक बंदे को उन्होंने कर दिया नॉक एंड फिनिश। एफ टी एस सीट ने यहाँ पे ब्लीड प्राइम को कर दिया नॉक, ये देखे तो एफ टी एस सीट को, जिनके ब्लड भाई फिनिश हो चुके हैं। जेनॉक ने यहाँ पे आई वी एक्स लेजी को कर दिया नॉक, एफ टी एस सीट बचे अकेले देखे उसी के साथ ऊपर सुस रहे थे टीम एट के जेनॉक्स भाई यहाँ पे डी एस एस चलाते हुए, बट भाई वन एच पी रह गए हैं सीट भाई और हो चुके हैं फिनिश। आई थिंक अब इनके पास मौका था पंजाब टीम के पास कि आगे जाके
थोड़ा सा रिस्क करके रिस्क लेके कर सकते थे उनका मतलब थर्ड पार्टी, बट यहाँ पे फ्लाईमैन अकेले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लाईमैन आई थिंक क्या ही कर देंगे, कुछ कर ना दे, गलत स्टेप ना ले फ्लाईमैन यहाँ पे। गुरमन एक्स को देखते हैं, गुरमन एक्स जो कि HSM के साथ खेल रहे हैं, P55 की स्क्वाड है सामने की तरफ, P55 हर चाप की स्क्वाड है, दो दो P55 की लाइनअप, पता नहीं कितनी लाइनअप लेकर आए हैं P55। MLT की टीम को भी देखते हैं यहाँ पे भाई, MLT ट्रिगर भी भाई जिनके ब्लीड प्राइम की स्क्वाड है ये। और अभी 90 का शॉट मारने कोशिश फ्लाईमैन को, बट मार नहीं पा रहे हैं। उधर से आई थिंक सरस भाई भी कवर दे रहे हैं, सरस भाई को देखे तो इधर सरस भाई भी यहाँ पे चला रहे थे, क्या है शॉटगन है या फिर इनके पास मौजीन आई थिंक सो। एंड यहाँ पे देखे तो भाई गुरमन भाई नॉक हो चुके हैं, HSM भी बचे अकेले, गुरमन को यहाँ पे मुक्कों के साथ लियो ने फिनिश किया है। HSM बचते बचाते यहाँ पे बैठे हैं, कार मौजीन और शॉटगन है इनके पास, देखते क्या करते हैं उसके साथ। और HSM गलत ही भाई ओपन में क्या ही घूम रहे थे, दोनों कंपनी बाग की तरह, और लियो की तरफ से इनको कर दिया गया ख़त्म, बेरोन की स्कॉड की तरफ से कर दिया गया ख़त्म। यानी यहाँ पे देखे तो भाई पंजाब वॉरियर्स की स्क्वाड की दोनों दो तरफी लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे सामने की तरफ बकाड़ी भी 94 का शॉट तैयार रख रहे हैं, सामने की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड है, पीछे भी बंदे आ चुके हैं इनकी। और ये टीम INF डेविल ने रेज बॉय को कर दिया नॉक, 20 ट्रिबल सामने से आते हुए, टीम 4 के भी 94 का शॉट पड़ते हुए बट मार नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मिनी 14 चलाते हुए फ्लाईमैन, और ये क्या देखा जाए तो यहाँ पे भाई डॉट मैट्रिक्स को नॉक कर दिया गया भाई, डॉट मैट्रिक्स ने यहाँ पे मिनी 14 के साथ भाई फ्लाईमैन को नॉक फिनिश किया, बट STBRN सर उसको नॉक कर दिया यहाँ पे। अब भाई रश होना बंद हो सकता है इनके ऊपर, अंधा रश होने वाला है भाई थिंक सो, देखते हैं भाई एम्परर डीगू सरस भाई एंड बकाड़ी भाई सिचुएशन में क्या करते हैं। एंड वहाँ पे भाई अलग अलग एंगल से आते हुए बीस्ट की स्क्वाड, क्रॉसबो वाले ने यहाँ पे भाई टीम INF डेविल को भी कर दिया नॉक। स्ट्रीम स्नाइप नूबड़ा सारे स्ट्रीम स्नाइपर है यार, कोई स्ट्रीम स्नाइपर नहीं है यार, कोई देखता ही नहीं है भाई। एंड यहाँ पे भाई नेट की आवाज़ें आ रही है, क्रॉसबो की टीम यहाँ पे भाई टीम INF के बंदों को लगातार देखा जाए तो भाई मारते हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये फाइट हो रही है। बीस्ट ने यहाँ पे भाई एम्परर डीगू को भी कर दिया नॉक, एम्परर डीगू को आई थिंक बचाया नहीं जा सकता अब, और एम्परर डीगू को यहाँ पे फिनिश करा जा रहा है भाई। वो वैरो की वजह नहीं, PB55 की स्क्वाड है। अच्छा नाइस, हम बीमार है, मैं बीमार हो जा रहा है भाई। चलो बैरो की PB55 की सबकी स्क्वाड यार, सांझी स्क्वाड। यहाँ पे रश कर रही है बीस्ट की स्क्वाड जबरदस्ती, और ये भाई AKM के साथ फायर दे हुई, और ये बहुत तगड़ा डैमेज दे रहे सरस भाई हमारे रिपेल को। एंड UMP के साथ यहाँ पे बकाड़ी ने जॉर्ड मैट्रिक्स को कर दिया नॉक, एंड रिवाइव देने के जाएंगे अब भाई। एंड ये नेट फेंक दिया गया आगे की तरफ, बीस्ट हंटर ओपन में निकल लेते, और ये भाई नेट से आई थिंक नॉक नहीं हुए। एंड निकी आई थिंक रिवाइव करने के लिए जाने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं ऐसा होने देंगे बकाड़ी भाई या नहीं। अंधा पाया डालते हुए वहां से और ये क्या कर रहा है यार ये
यहाँ पे टीममेट ने भी कर दिया भाई पीछे से रश भाई, तो इसका फायदा उठाते हुए देखते हैं भाई क्या ही करती है स्टीम बियर एंड सरस भाई यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ फिर उधर भाई टीममेट ने भी रश कर दिया टीम बीएलडी ने। ले भाई इसी के साथ भाई टीम बीएलडी ने कर दिया यहाँ पे खत्म टीम बीएलडी और इनकी दोनों की अब फाइट होने वाली है बीस्ट और टीम बीएलडी की। आप घुसने जा रहे हैं यहाँ पे डीप टीम बीएलडी के ऊपर घुसने जा रहे हैं बीस्ट हंटर के ऊपर। बीस्ट हंटर को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करने की कोशिश की जा रही और बीस्ट हंटर आई थिंक फिनिश हो भी जाएंगे और डीबीए चला रहे थे तो ख़त्म हो गए। एमएलटी की स्क्वाड ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया इनको ब्लीड की स्क्वाड ने। पीसीएस जोकर को देखते हैं अभी हम जो कि फॉरएवर की टीम से है। क्रॉसबो वाला भी यहीं पे है भाई टीम 17 का बंदा क्रॉसबो वाला तो देखिए भाई क्या ही ओपी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है अभी क्या ही मिनी 14 से क्या ही मार रहे हैं बट अटैच नहीं हो रही है अभी तक गोलियां इनकी। अबे गाड़ी को क्या ही पलटा के फोड़ा हुआ है और ये पीछे से भी आने लग गए हैं फायर यहाँ पे टीसीएस जोकर के ऊपर जो कि फॉरएवर की टीम से बिछड़ चुके हैं थोड़ा सा अलग है उनसे थोड़ा सा। यूएमपी और कार नहीं के चलते हुए यहाँ पे दूर से आवाजें आते हुए हमको कार 98 के साथ यहाँ पे पीआरएल के फाल्कन को फैलकन को कर दिया गया है नॉक। ठीक है जैसे कि हमने किल फीड में देखा अभी पीआरएल के फैलकन हो चुके हैं कार 98 के साथ नॉक। आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे टीसीएच जोकर चलते हुए बग्गी में भाई बग्गी के अंग में इनके भाई वो शॉकर चलते हुए दिख रहे और ये भाई पलटी खा के सीधा हो रहे थे सीधा हो गया आखिरकार पीछे से गाड़ियां लेकर आ रहे हैं फरवरी की टीम साथ में इनके एंड पता नहीं मैं क्या भंग भोंसड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि बेबी को बेस पसंद है पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं आज क्योंकि बीमार है हम थोड़े से। ईविल पंडित को देख रहे हो भाई ईविल पंडित घूम ही जा रहे हैं भाई इनके मतलब कि मंडरा रहे हैं ईविल निंजा सामने की तरफ जा रहे हैं गाड़ी से। दवाई लेने का टाइम हो गया हमारा एंड कुछ खाने के लिए मंगाया वो आए फिर खाएंगे फिर मंगाएंगे और फिर खाएंगे दवाई भी मेडिसिन और व्हाट एंड गाइज कोई भी जो स्ट्रीम मतलब हमें एक्स सूट स्पॉन्सर करना हो चाहता है तो कर दे। टीम बीएलडी नाइट्रो ने यहाँ पे क्या ही भाई ए डब्ल्यू एम का शॉट मारा है ओम अभी तक चल रही है उनकी नीचे की तरफ उन्होंने टीम 17 का एक बंदा नॉक किया है उधर ही ओम चलाते हुए बार बार ताकि एक और बंदे को नॉक निकाल सकें एंड हमारा ऑर्डर आ गया है इसी के साथ आते हैं हम लेके दो मिनट के लिए।
हमारा खाने का ऑर्डर भी आ चुका है, तो इसी तरह हम देख ही रहे इधर फाइट ले रहे हमारे टीम देख के भाई जान लड़म बैठा हमारा ऑर्डर भी आ गया भाई, क्या ही जोन बनाया है अभी तक भाई। देखा जाए तो 33 पीपल आर अलाइव राइट नाउ, NP50i की स्क्वाड गए यहाँ पे भाई। बैरोला दिन भाई ने एक बंदे को नॉक किया, बट उनके भी टीममेट विलेजर का जो होते यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। और ये भाई सारी तरफ से यहाँ पे स्प्रेज आते हुए हैं, NS की टीम ने भी एक बंदे को कर दिया नॉक। 77 की OP भी देखा जाए तो यहाँ से दिख रहे हैं हमें, नॉक पड़े हुए हैं सामने की तरफ। एंड बैरोला दिन को देखे तो भाई लेफ्ट से जाते हुए कवर के होते हुए गाड़ी में बैठ गए हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ ठोकते हैं, कहाँ रश करते हैं या फिर जाते हैं जोन के अंदर अपनी टीम को लेकर। और सामने की तरफ वहाँ पे 77 की टीम के बंदे भी नॉक पड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे भाई 77 की टीम बचा पाएगी टीम 25 अपने आप को या नहीं, क्योंकि जोन में भी जाना उनको भी है। जोन 2 सेकंड में चालू होगा, जोन उनको बहुत तगड़ा काटने वाला है। यहाँ पे बैरो वाला दिन फॉरेस्ट का स्प्रे मारते हुए मादर चौथ क्या टेप लगा के दिए है इन्होंने इसके ऊपर। और देखे तो यहाँ पे M24 का भाई शॉट पड़ा इविल पंडित को इराटोस वाइटी की तरफ से, कर दिया गया इनको नॉक। यहाँ पे P55 की स्क्वाड भी आगे रुक चुकी है सामने की तरफ, वाइटी की स्क्वाड है इनकी, और वाइटी की स्क्वाड की तरफ इनको फायर आया है। लियो को कर दिया गया यहाँ पे नॉक, P55 जाप बचाने के लिए आए और उनकी गाड़ी को यहाँ पे फोड़ दिया गया जिसका उन्होंने कवर बनाया गया। और ये बैरोला दिन के ऊपर भी करते हुए फायर, बैरोला दिन की गाड़ी के ऊपर भी आते हुए फायर मॉक कर लिए बैरो वाला दिन ने। ओके की तरफ अपने एंड जोन फिर से बन चुका है जहाँ पे वाइटी की जोन टीम भी अभी जोन के बाहर है। एंड यहाँ पे भी सिग्नल वाइटी को डैमेज देते हुए हमारे बैरो के अलादीन भाई। और यहाँ पे घुस चुकी थी वाइटी की टीम इनके ऊपर, उन्होंने आके भाई क्या ही नॉक हो गई आते, दो बंदे नॉक कर दिए यहाँ पे प्लेज वाइटी ओपी ने। देखते हैं यहाँ पे बैरोला दिन को फिनिश कर पाएंगे या नहीं। पीछे की तरफ से भी फायर आते हुए ब्लेज वाइटी की टीम की तरफ से, एंड यहाँ पे ब्लेज वाइटी निकल के कर दिया M249 से ख़त्म। जैसा टी भाई वो शो सोशल मीडिया हैंडल डाला है तो पे वो हटाओ ताकि लाइव देख सकें। ब्रो मैं बता रहा हूँ 23 लाइव है यार, एक्चुअली उसको एडिट करना पड़ेगा यार, बहुत टाइम लगेगा। 77 की टीम ने भी यहाँ पे सामने की तरफ देखा जाए तो वो बंदे नॉक डाल रखे हैं। लेजेंड को देखते हैं हम, लेजेंड फिनिश कर दिए यहाँ पे बंदे को। तू आके देख ले लो भाई, टीम 10 के इस बंदे को भी खत्म कर दिया है। वाइटी क्लैन ओपी अवार्ड, और 77 मिकी को देखे तो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है यहाँ पे। लेजेंड की गाड़ी यहाँ पे टूटने वाली थी और मिकी वहाँ पे नॉक भी हो चुके हैं आगे की तरफ, देखते हैं लेजेंड बचा पाएंगे उनको या नहीं।
मिकी आई थिंक बच नहीं पाएंगे और फिनिश हो चुके हैं मिकी यहाँ पे। मैंने माइक के लग गया बर्गर। टीओ की टीम भी वहाँ पे खत्म करती हुई बंद हो गए हैं। और ये भाई लेजेंड ने यहाँ पे स्प्रे मारने के लिए नॉक करने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। कहीं चल रही है M24 कहीं चल रही है ओम, क्या ही क्या गोलियाँ चल रही हैं यहाँ पे। पे अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि लेजेंड जो है जोन कैसे जाते हैं, क्या आप पाते हैं या नहीं। लेजेंड ने क्या ही नॉक निकाला यहाँ पे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे बाइक को। लिटरली 1 HP बचे हैं वहाँ पे ब्लैक ओपी वाइट और उनको भाई कोला वाला क्लीन ने कर दिया था। कर रहे थे जोन के बाहर बैठ के बट क्या ही M24 का शॉट आया और खत्म। यहाँ पे फॉरएवर सुनील को भी रिवाइव दिया जा रहा है। हाउ मच स्क्वाड अलाइव ब्रो? ओनली 3 स्क्वाड्स आर अलाइव, 9 पीपल आर अलाइव from belonging from 3 squads. अब तीनों squads के आपको नाम भी बता देते हैं हम। रुकिए, एक तो हमारे forever की squad है, TO की squad है और CT की squad है। CT की ऐसी नहीं, और ये ओम से क्या ही भाई crossbow ने किया है सामने की तरफ TO के बंदों को नॉक। TO के बंदों के पास एक advantage की वो जोन कैप्चर करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे आई थिंक अब फॉरएवर कश्यप को भी देख लिया गया एंड देखते हैं भाई अब इनके साथ क्या होगा। देखिए भाई क्या ही बंदे नॉक हो रहे हैं यहाँ पे। एंड फॉरएवर की टीम आई थिंक अब किल पॉइंट्स पे ही है क्योंकि जोन में निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल रह सकता है उनके लिए। नॉक बंदे का किल टपने की कोशिश यहाँ पे एंड कर नहीं पाए भाई, स्विच करते ही रह गए और क्या ही कार्नेटेड के शॉट के साथ इनको नॉक कर दिया गया। फिनिश भी करने की कोशिश की जा रही है। वन वी फोर की ये सिचुएशन, देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे फॉरएवर सुनील भाई।
मॉलीज और नेट्स आ रही हैं लगातार। क्या ही हो गया ये यहाँ पे। तड़पे किसी को भी बीजीएम में खेलना है तो बताओ भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं खेलूंगा। अब फोन से सेटअप कर लें हम, उतनी देर थोड़ी देर चार्ज लगाएं। You did what you did, you break it, you lose it. Sorry, you tell me.
लो This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. आज हमने हद दिया। हेलो 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 बहुत रहा मेरे मेरे 2000 रुपए का बेड वॉर्डन पीटू सुनाना हेलो हेलो मैंने और से बात करा हेलो हेलो फोन में कोई नल्ला है क्या हेलो हेलो चूतिया नल्ले है भाई हेलो हेलो अबे वो चूतिया आजा मैं तो आजा मिलिट्री आजा मिलिट्री मिलिट्री बेस मैं मेरा नाम ब्लैक डेविल है आजा आजा भरवे लौड़े तेरे माँ का लन भैंसोद बहुत तरीके भैंसोद गाने छतरी डाल के ना खोल दूंगा भैंसोद आजा छतरी खरीदने के पैसे नहीं और बोलते मेरा पैराशूट देखो क्या ही मिला मुझे अब मेरा एक ही क्रेट में दे दिया तो
नो कहाँ मिला अभी मुझे कैंपर से सीधा में बंदा है बंदा है कहाँ पे यहीं पे दिख गया एक पे ये खिड़की पे पहली तो जीता देखोगे क्या पहली पहली तो जीत जाएगी मैं इसको सब राइट से रहते हील कर रहा है बकाड़ी ये घर के अंदर आ रूम के अंदर ऊपर आ बकाड़ी इधर आ ये रूम के अंदर रहेगा वहां पे नहीं तो सामने वाले रूम पे रहेगा दोनों में सर चलो नहीं नहीं वो वहां पे दरवाजे पे चलो चलो इधर भी है लेफ्ट में भी ओहो लेट्स गो हमारी टीम ओपी मेरे को मालूम था कोई ना कोई तो रहेगा भाई मेरे पास हील भी नहीं था यार अरे चलता नहीं है कीपर मैंने भी ट्राई किया था कैसे थे मैं फाइट कर खा लो अब ठीक One HP है वो एक्सर बोलते ना वो तो मतलब ओहो हो वो है क्या अच्छी सी गन हीलिंग दे दो मेरे को देते हम एक एम ले लेंगे
आगे वाले बिल्डिंग पे हो, ऊपर है। अच्छा तो देख भाई ऊपर ही बंदा है। हाँ टॉप पे पड़ा उसको। हाँ वो रहा। रुक जा रुक जा। वो रहे, वो उसके पीछे है दोनों। हाँ दोनों ऊपर ही है। एक नेड में जाएंगे। अरे आपस में फाइट ले रहे हैं। डाला एक को नॉक। अरे देख भाई मेरे ए रिवाइव दे रहे हैं, रिवाइव दे रहे हैं, रिवाइव हो गया उसका दूसरा टीममेट। बस 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 जाते जाते घुसते घुसते। ओहो गोली खत्म, गोली खत्म। ये ले आने दे, गोली खत्म, गोली खत्म। दिख गया। नो रिकॉइल बोलते। अरे हम लोग क्या सामने बंदा चांदी था, ये चांदी क्या बोलते हैं बंदा। एक गोली मार के मैंने ले लिया। नहीं अच्छा ये गाड़ी में आए थे भाई। अप्लाई वो मैंने सबका देख लिया। लाइव स्ट्रीम ओपन भी करी थी। T3 खत्म हुआ उसमें बहुत फायदा। मैं भाई कुछ नहीं। अरे उस समय सरस भाई का भी कोई मेरा रिक्वायर अभी थोड़ा कम हुआ। मेरा जायरो का सेंसिटिविटी क्या है मालूम है? 6x 3x और 4x का 340 जायरो का है। बंदे एक घर के अंदर चार बंदे लेटे बैठे रहे। अरे T3 अगर मैं खेलूंगी ना बंदों को जीतने का चांस नहीं मिलेगा। नहीं नहीं जीतने पे मिलेगा क्या कुछ नहीं। नंबर 4 क्या कर रहा है? जीमोल बिली बिली इंडी you
लिंडी हाँ लिंडी है अरे ऑफलाइन चला गया ऑफलाइन चला गया कहाँ पे है घर के अंदर जो घुस के बैठा है वो नूबड़ा ओबे ये क्या यहाँ से मार दिया इसको अच्छा उसने मारा क्या मेरे को लगा इसने यहाँ से मार दिया मेरे को नहीं दिख रहा ये कहाँ से मार आगे क्यों डिवाइस सैलरी तेरे बाप ने होटल खोल रखी थे ने हेलो चार नंबर हाँ नेट नहीं चल रहा है एमपी मध्य प्रदेश बंदे बंदे स्कूल में कोई अभी मेरे को दिखा ओपन में भाग रहा था अंदर आ watch out watch out उधर है वो घर पे फूट आ रहे वो घर पे ऊपर चढ़ ऊपर से कूद उन पे पानी में तैर रहा है मन मैं ना जी डाउन पर पहुंच जाएगी ताई चार बंदे हाँ है ना फटा एक नॉक वहीं पे ऊपर राइट साइड रुक जा पड़ी कार है नहीं रिपोर्ट है नहीं अगर तू अंदर आके रियल रहेगा ना तेरी फाड़ के रखेंगे यार रियल है कि बॉट है Impressive. चलो
ओके मुझे अरे गाड़ी की बात लगा दे चलो ओहो एयरड्रॉप नंबर चार दो मिनट रुक जा शायद मेरे को लगा ऐसा कौन से साइड है इधर से शायद इधर उधर आवाज आया था मेरे हेलो अंकल नमस्ते चलो काम की बात पे आते हैं अब यार पूछिए कि आप कितने पैसे कमाते हैं यहाँ गाड़ी खड़ा है छोड़ो गाड़ी है देखा देखो आगे वाली बिल्डिंग पे दो बंदे हैं नीचे कूद गया मैं हील हो रहा मादर्स मेरा एम टट्टी ये सबसे टट्टी सेंसिटिविटी है AWM लेने में बस की ब्रोजा ले लो हेलो यार क्या हो रहा है यार ये मेरी आवाज आ रही है ना इन गेम नहीं हां हां आ रही है नहीं आ रही ठीक है आ रही है ठीक है मेरा एम इतना टट्टी हिला ना यहाँ से तुम गोल घूम के पूरा आसमान घूम के आ और वो सामने वाला भी हक दिया ये लाइन इन चल ही नहीं रही टट्टी किधर है किधर है अरे नहीं ऐसे ही एटेक्स है क्या एटेक्स क्या उधर बिल्कुल किधर दिख रहा है
नहीं मैं ट्राई कर रहा ऐसे स्प्रे कर रहा फोन पे आ रहा बिना गाड़ी के गाड़ी खड़ी है वाच आउट फोन पे आ रहा वो बंदा है क्या नहीं हेलो हॉल पे कोई सुन रहा है भाई ये अभी तो अच्छे से चलता है भाई एक अभी आयो इसमें भी आ गया माउंटेन से नीचे आ रहा है एक गाड़ी राइट सा बोट जैसा नियॉन दीपक नाम है उसका उसको मार दो हेलो हेलो अभी भी ड्रॉप से जोन से दूर है वो हेलो मेरी आवाज आ रही है इन गेम नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज आ रही है और भाई ऑल वाले मेरे भाई कैसे हो अरे भाई ऑल वाला बोल रहा है हां कैसे हो भाई ऑल पे अरे भाई यहां पे घूम रहा है जो एक नियम दीपक करके नाम है उसका अच्छा 92 का केडी है अरे तो 293 मैच खेली है इस भाई ने 0.98 का कैंपर बंदा है अगर तुमको फ्री का किल चाहिए तो मार दो इस बार भाई पहले हमको बताओ कि सुनो मेरी बात बताओ रुइन से ना उसके पास से आ रहे ओके कोई बात नहीं भाई हमारे बंदे गाड़ी किसकी जली हुई उसके एग्जैक्ट सामने है ये गाड़ी फोड़ पहले गाड़ी जली हुई है उसके एग्जैक्ट सामने है जहाँ भी गाड़ी फूटी है वहाँ पे कह रहे हो क्या हाँ बस ये ड्रॉप के एग्जिट पीछे एकदम पीछे ओए ड्रॉप के पीछे का बंदा है बगाड़ी फायरिंग कर रहा है यही वही है वॉल पे बता रहा बंदा लेटा हुआ है ड्रॉप के पास कह रहे कैंपर है किल चाहिए तो ले लो रुक जा AWM भाई ये कूदा था हमारे साथ खेल रहा है ये भाई कूदा था कामेशी गया उधर से पूरा एक दो बोट मार के अच्छा भाई की किल चाहिए तो ले लो लेते हैं अभी ले रहे हैं रुक जा बेकार ये देखो देखो खड़ा वापस लेट गया पता नहीं कहाँ पे है भाई बताना रुको मैं गाड़ी घुमाता हूँ उधर ही है गाड़ी चढ़ा दोगे तो अभी पता चलेगा कह रहा गाड़ी चढ़ा दो वो कह रहा गाड़ी चढ़ा दो उस पे रुक जा मारना मत भाई सलमान भाई जैसा करो भाई तुम एकदम सीधा आ जा सीधा आ जा सीधा भाई तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज स्ट्रीम पे जा रही है पता है अरे बहुत बढ़िया भाई स्क्रीन पे जाओ सुन के आओ अब बॉम्ब पड़ने वाली उसके देखना भाई उसको बॉम्ब या मॉली से मारो ना देखो ऑम पड़ेगी भाई क्या कर रही हो टाइसन हक रही हो मारो एग्जैक्ट दिख रहा है वो देखो मार टॉप से बहुत बढ़िया भाई शुक्रिया हाँ भाई जाओ स्ट्रीम पे यूट्यूब पे सर्च करो PW गेमिंग जल्दी जाओ PW गेमिंग नियन दीपक कैसा रहा नियन अच्छी रही तेरी मौत ओ भाई उसके टीममेट ने मरवाया उसको हराम चलो हम भी पीसी से सेटअप करते हैं
हेलो मैं फोन वाली आईडी से आ रहा हूँ यहीं पे रुको 20% चार्ज है खाली हाँ तो चार्ज लगा ले मैं चार्ज लगा ले क्या भाई ये आवाज ही नहीं आ रही रुकना दो मुझे रुकना दो मिनट हेलो रुकना 2 मिनट मैं सेटिंग कर दूँ यार इसकी सुनो गौर से दुनिया वालों हेलो ओ यार क्या ही भाई साला हक रहा है भाई मेरे को दिल गलती कर बैठा है